नेक्स्ट क्लास आपका केमिकल बॉन्डिंग थर्मोडायनामिक्स। देखो अब क्या होता है कि एक पहले टॉपिक पढ़ो, उसके बाद मैं बताऊंगा कैसे करेंगे। पहले टॉपिक लिखो, एक टॉपिक लिखो सबसे पहले कि आयनिक प्रोडक्ट, इसको बोलते के आई पी। ये लाइक क्यू सी, क्यू सी आपको पता है नहीं? आप क्या करते थे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन होता था, सेम उसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में आप क्या फाइंड कर लेते थे, क्यू सी। तो ये जो आयनिक प्रोडक्ट होता है, ये क्या होगा, इट हेल्प टू टू प्रेडिक्ट चांस ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ द डिजॉल्व सॉल्ट। जो सॉल्ट डिजॉल्व है उसका चांस ऑफ प्रेसिपिटेशन होगा या नहीं होगा, उसको हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे। आई बात समझ, किससे वहां पे क्या फाइंड करते थे, टू प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। फॉरवर्ड जाएगा इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए, बैकवर्ड जाएगा, ये इक्विलिब्रियम पे ऑलरेडी है, तो वो किससे करते थे लोग, क्यूसी से। केआईपी का काम होता है टू प्रेडिक्ट द चांस ऑफ प्रेसिपिटेशन। आई बात समझ में। आप क्या करते, कैसे फाइंड करेंगे कैलकुलेशन, इट इज ऑब्टेंड बाय इट इज इक्वल टू, इट इज इक्वल टू लिखो, इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट साइंस। कंस्टिट्यूएंट कंस्टिट्यूएंट आयंस, इन द सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट इक्विलिब्रिया। इन द सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट एक्सप्रेशन, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन आप क्या लिखते हैं, कंसंट्रेशन मोलर कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट लिखते हैं कि नहीं। Yes. तो आप केआईपी जो फाइंड करेंगे तो वहां भी प्रोडक्ट मोलर कंसंट्रेशन कंस्टिट्यूएंट कर लेंगे आप। देखो मैं बता रहा हूं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आप तभी बोलते थे जब सॉल्यूशन सैचुरेटेड होता था। Yes. सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आप तभी बोलते जब सॉल्यूशन आपका इक्विलिब्रियम होता है, मतलब किसी भी स्प्रिंगली सॉल्युबल साल्ट का एक मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी होता है। और किसी भी साल्ट का मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी को हमेशा डिफाइन करते हैं इन द टर्म्स ऑफ द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक गिवन कंडीशन में कोई भी सॉल्ट कितना मैक्सिमम अमाउंट डिजॉल्व होगा वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन ही आपको इन्फॉर्म करता है, और सैचुरेटेड कंडीशन में ही के एस पी आता है। आई बात समझ में। तो के एस पी फॉर ए गिवन टाइम पे, टेम्परेचर पे, के एस पी क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। लेकिन आयनिक प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट नहीं होता, रिएक्शन कॉन्स्टेंट भी तो कॉन्स्टेंट नहीं था, वो तो मैंने क्लियरली लिख दिया था, इट इज नॉट कॉन्स्टेंट। तो ये भी एक कॉन्स्टेंट नहीं है ये, लेकिन इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट तो कॉन्स्टेंट होता है। आप खुद से देखो कि के एस पी तो फिक्स होगा, लेकिन के एस पी का जो एक्सप्रेशन आता है उसमें भी तो प्रोडक्ट ऑफ आयनिक कंसंट्रेशन कंस्टिट्यूएंट लेते हो आप। तो यहाँ भी क्या करेंगे, जैसे आप के एस पी फाइंड करते वैसे आप आयनिक प्रोडक्ट भी फाइंड करेंगे, मतलब कि वही एक्सप्रेशन लेंगे आप। रिप्लेस क्या करेंगे, के एस पी को रिप्लेस करके दे दोगे के आई पी, डिफरेंस यही है। तो देखो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, देखो इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन कंस्टिट्यूएंट आयन इन द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एक्सप्रेशन। अब देखो एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम लोग इस पर। क्या एग्जाम्पल लेके चलते, देखो आपके पास एक सॉल्यूशन है, देखो आपके पास ये सॉल्यूशन है, मान लो आपके पास ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है यहाँ,
ये सॉल्यूशन लेट कर लो कि आपका यहाँ पे 100 ml ऑफ 0.2 मोलर, नहीं नो 100 ml ऑफ, देखो यहाँ पे बोल लो, 2 × 10⁻⁴ मोलर सिल्वर नाइट्रेट, किसका सॉल्यूशन है ये बेटा बताओ। फिर एक दूसरा सॉल्यूशन में ले रखा हूं यहाँ पे, दूसरा सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन लेट कर लो कि आपका यहाँ पे जो सोल्यूशन है ये आपका 100 ml ऑफ, मान लो कि 4 × 10⁻⁵ मोलर सोडियम क्लोराइड का एक सोल्यूशन है। आप तो 9th में पढ़े होंगे ना कि सिल्वर नाइट्रेट को अगर सोडियम क्लोराइड से देता है तो पढ़े होंगे ना, लेकिन अब सोचो, अब क्या बताने जा रहा हूं। देखो, अगर आप सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड को मिक्स करेंगे तो ऐसा नहीं कि आफ्टर मिक्स यू गेट द प्रेसिपिटेट ऑफ द सिल्वर क्लोराइड, मे बी मे नॉट बी। वहां पे जो कंडीशन था वहां बोलते थे कि प्रेसिपिटेट होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पे प्रेसिपिटेट मे बी मे नॉट बी। प्रेसिपिटेशन का एक रूल होता है, प्रेसिपिटेशन अपने आप ऐसे नहीं होता है। क्या रूल होता है सुनो, अभी समझ में आई? अभी देखो क्या किए, अब वही बताने जा रहा हूँ क्या रूल होता है। देखो, दोनों को मिक्स कर दिया मैंने, दोनों को मिक्स करने के बाद एक सॉल्यूशन बना, देखो यहाँ पे एक सॉल्यूशन बना दोनों को मिक्स करने के बाद, बोलो मिक्सर कितना हो जाएगा आप बताएंगे। लेकिन आपको देखना है यहाँ पे कि प्रेसिपिटेशन होगा कि नहीं, वो चेक करने जा रहे हैं लोग, तो देखो क्या हो जाएगा बेटा। एक चीज याद याद रखना कि आयनिक इक्विलिब्रियम जब पढ़ने जाओगे ना, और आयनिक इक्विलिब्रियम में पर्टिकुलरली जब बफर सोल्यूशन है सॉल्वेटिव प्रोडक्ट पे वर्क करेंगे, क्वेश्चन भी सबसे ज्यादा इसी से आता है। आपके दिमाग में दो चीज हमेशा याद रखना, मिलीमोल्स का एक्सप्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन का एक्सप्रेशन, मोल्स का एक्सप्रेशन, ये तीनों चीज याद रखना। आफ्टर मिक्सिंग दो सॉल्यूशन खुद मिक्स करो, करोगे तो मिक्स करने के बाद कंसंट्रेशन चेंज होता है। जैसे दो सॉल्यूशन को मिक्स करेगा तो पहले मोलर कंसंट्रेशन आप चेंज करना। अगर ये टेक्निक अब अगर आपका रहेगा तो कैलकुलेशन आप कर पाओगे, नहीं तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट वहीं पे गलती करता है कि दो सोल्यूशन को मिक्स करता है तो कंसंट्रेशन चेंज नहीं करता, जो कि एब्सोल्युटली रॉन्ग है। एक ही दूसरा क्या गलती करता है कि जब दो सोल्यूशन को मिक्स किए तो कंसंट्रेशन चेंज होगा, वो नहीं चेंज करता। फर्स्ट एक रॉन्ग ये, दूसरा क्या होता है कैलकुलेशन में रॉन्ग करता है कि क्या ले कैलकुलेशन बेटा, मिलीमोल्स या मोल्स में कैलकुलेशन हमें साफ रखना। मिलीमोल्स का एक्सप्रेशन मैक्सिमम स्टूडेंट करता ही नहीं, मिलीमोल्स होता है क्या था? मिलीमोल्स होता है वॉल्यूम इन ml। तो ये सब आपको थोड़ा पता होना चाहिए मिलीमोल्स का एक्सप्रेशन क्या होता है, अगर मिलीमोल्स में किए तो मोलर कंसंट्रेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये सब थोड़ा पता होना चाहिए। अगर यहाँ पे एक्सपर्ट रहोगे तो क्वेश्चन बन जाओगे, अगर ये इस कंडीशन नहीं पता रहेगा ब्लाइंडली क्वेश्चन बनाने जाओगे तो ना क्वेश्चन आप बना पाओगे ना आंसर आएगा आपका, एक भी स्टेप नहीं ले पाओगे। इसलिए ये दो तीन चीज यहाँ पे बहुत इफेक्टिवली हम लोग वर्क करते हैं इस पे। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, आप दो सॉल्यूशन को सिंपली मिक्स किए तो कंसंट्रेशन चेंज होगा कि नहीं, आप लिखेंगे यहाँ पे आफ्टर मिक्सिंग, लिखो आफ्टर मिक्सिंग, देखो आफ्टर मिक्सिंग क्या हो जाएगा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट कितना होगा। तो किसी भी कंपोनेंट का आफ्टर मिक्सिंग जब मोलर कंसंट्रेशन फाइंड करते हैं ना, तो हमेशा M1V1 = M2V2 का कांसेप्ट लेते हैं। तो देखो क्या करेंगे, M1V1/V2, बी किसका हो जाएगा, मिक्सर का हो जाएगा, नहीं है तो बताओ M1 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2 × 10⁻⁴ करेंगे, अब व्हाट शुड बी वॉल्यूम, टू हंड्रेड, नहीं, मोल्स में, ये सब मोलर कंसंट्रेशन है, अरे बेटा ये मिली मोल्स है, मिली मोल्स को डिवाइड करते बोलो मिक्सर से तो मोलर कंसंट्रेशन आता है।
आप बताइए, एजीएन ओ थ्री अगर होगा आपका दिस कंसंट्रेशन, तो व्हाट्स वी कंसंट्रेशन में नाइट्रेट इन मिक्सर? यही होगा कि यस नहीं होगा बताओ? ये समझ में आया? आप बताइए कंसंट्रेशन नाइट्रेट का हो गया, एजी प्लस का कितना होगा? वही होगा आपका। अब बताइए प्रेसिपिटेशन किसका देखना है, एजीसीएल का? तो मेरे को किसके कंसंट्रेशन से मतलब है? एजी प्लस। अब बताओ सिल्वर नाइट्रेट को जब मैंने सोडियम क्लोराइड से मिक्स किया तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन में दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ एजी प्लस। आई बात समझ में? सिमिलरली मोलर कंसंट्रेशन फाइंड करो उसका। यस, एनएसीएल एनएसीएल आफ्टर मिक्सिंग, तो आप क्या करेंगे वॉल्यूम तक देखो, 2 × 10, 4 × 10 का क्या था आपका? 5 − 5, दैट इज M1। वॉल्यूम था 100, न्यू वॉल्यूम बिकम द 200, इट शुड बी, इफ यू हैव द सॉल्यूशन ऑफ द 2 × 10 − 5 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NaCl, द व्हाट शुड बी कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन? अगर यहीं पे मान लो बेरियम क्लोराइड होता तो क्लोराइड कितना होता? डबल हो जाता। तो आप यहाँ पे बताइए कि क्लोराइड कितना होगा आपका मिक्सचर में? आई बात समझ में? आप बताइए सॉल्यूशन से आपको क्या क्या मिला? क्लोराइड मिल गया, सॉल्यूशन में एजी प्लस आ गया। तब मेरा काम है यहाँ पे आयनिक प्रोडक्ट फाइंड करना। क्या फाइंड करना? आयनिक प्रोडक्ट। आप देखो क्या करेंगे, प्रेसिपिटेशन चेक करने जा रहे हैं हम लोग, आयनिक प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे। तो आयनिक प्रोडक्ट इक्वल टू क्या होगा? एजी प्लस कंसंट्रेशन और सीएल माइनस कंसंट्रेशन। ये आप देखो एजी प्लस कंसंट्रेशन क्या है आपका? ये वैल्यू कितना आएगा? −9। कभी कभी एम स्क्वायर भी बोला जाता है इसको, क्योंकि ये मोलर होगा, ये मोलर होगा तो एम स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, तो उससे कंफ्यूज मत होना कभी क्वेश्चन में देगा तो। अब तो आयनिक प्रोडक्ट मैंने फाइंड कर लिया यहाँ पे। अब गिवन रहेगा आपका के एस पी जो होगा एजीसीएल का, एजीसीएल का के एस पी देखो, ये 1.7 × 10⁻¹० होता। अब एक काम करो, आप बोलते थे कि रिएक्टेंट देता था, प्रोडक्ट देता था, सब कुछ दिया रहता था। मान लो कि मैंने बताया था इक्विलिब्रियम में कि मान लो कि एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने नाइट्रोजन भी दे रखा है, हाइड्रोजन भी दे रखा है, अमोनिया भी दे रखा है। मैं बोलते बताओ ये इक्विलिब्रियम है कि नहीं, तो आपका काम होता था क्यूसी फाइंड करना। आपका काम होता था विद रिस्पेक्ट टू द इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स, आपका काम होता था क्यूसी फाइंड करना। आप क्यूसी को इक्वेट करते थे केसी से, अगर क्यूसी देखते थे केसी के इक्वल आ गया तो आप बोलते थे कि सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में। सेम करना है केएसपी को आयनिक प्रोडक्ट से इक्वेट कर देना। देखो आयनिक प्रोडक्ट और केएसपी अगर इक्वल हो जाएगा तो सॉल्यूशन आपका सैचुरेटेड होगा, मतलब इक्विलिब्रियम में, मतलब नो प्रेसिपिटेशन। भाई बात समझ में? प्रेसिपिटेशन क्यों होगा वहां पे, सॉल्यूशन तो सैचुरेटेड है। अगर मान लो आपका क्यूसी ग्रेटर देन केसी होता था, आप रिवर्स आते थे, तो बैकवर्ड जाने से प्रेसिपिटेशन होगा, क्योंकि बैकवर्ड तो आपका एजी सी एल है, फॉरवर्ड आपका एजी प्लस सी एल माइनस है। आप बैकवर्ड शिफ्ट होंगे तो एजी प्लस सी एल माइनस कंबाइन करके क्या देगा आपका? एजी सी एल। तो वहां पे साल्टिंग आउट होगा, मतलब प्रेसिपिटेट आउट होगा। और आयनिक प्रोडक्ट अगर लेस देन आपका के एस पी होगा, मतलब क्यू सी लेस देन के सी, तो आपका फॉरवर्ड जाएगा, मतलब और भी उसमें सॉल्ट अभी डिजॉल्व होगा, मतलब प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। इसका मतलब हुआ कि इफ यू आर गोइंग टू मेक द टू सॉल्ट टू इलेक्ट्रोलाइट्स एट दैट आफ्टर मिक्सिंग प्रेसिपिटेशन ऑफ ए पर्टिकुलर स्पेंगली सॉल्युबल सॉल्ट मे बी मे नॉट बी। अगर मान लो कि मैंने सोडियम अगर मान लो कि मैंने सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड से मिक्स किया, अब बोलेगा कि प्रेडिक्ट करना होगा वेदर प्रेसिपिटेशन विल बी और नॉट। अगर आपको प्रूफ करना है स्कूल एग्जाम में, तो आप क्या करना है, स्मार्टली पहले आयनिक प्रोडक्ट फाइंड कर लेना। कर लेंगे, के एस पी आपको दिया रहेगा, आप दोनों को इक्वेट करके बोलोगे प्रेसिपिटेशन होगा या नहीं होगा।
आई बात समझ में? यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये दिया रहेगा आपका। अब देखो क्या करेंगे, के एस पी जो है, के एस पी वो ग्रेटर देन दैनिक प्रोडक्ट। देखो नो 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 नो, लेस होगा। यस, अब देखो यहाँ पे के एस पी जो होगा वो लेस देन दैनिक प्रोडक्ट है आपका। विल बी प्रेसिपिटेट आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन। आई बात समझ में? आप सोचो ना, क्यूसी ग्रेटर देन केसी देन इक्विवेलेंट फेवर इन द बैकवर्ड। लिटरली आयनिक प्रोडक्ट मीन्स क्यूसी। टू शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन द बैकवर्ड सो दैट द डिजॉल्व साल्ट मे बी प्रेसिपिटेट आउट, उसके लिए आयनिक प्रोडक्ट मस्ट बी ग्रेटर देन द केएसपी। आई बात समझ में? तो यहाँ पे लिखो एक चीज, अब एक काम करो दीदी, ये जो क्वेश्चन पे रिएक्शन होगा, रिएक्शन कौन सा बड़ा रिएक्शन है, जब कोई नहीं देगा तो नहीं कर पाएंगे। अगर क्या, अगर मगर क्या होता है, वही तो देगा, वही वही बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेशन, वही सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेशन, वही सब देगा, वही सिल्वर क्रोमेट डाइक्रोमेट वही सब देगा। देखो रुको बता देता हूँ, लिखो पहले। देखो फर्स्ट कंडीशन लेंगे कि आयनिक प्रोडक्ट इक्वल टू के एस पी, तो क्या होगा ये? नो प्रेसिपिटेशन ऑफ द डिजॉल्व सॉल्ट, मैक्सिमम सॉल्युबल तो था वो, अब वही तो मैक्सिमम कंडीशन है तो क्यों डिजॉल्व प्रेसिपिटेट होगा वो? एनिक प्रोडक्ट ग्रेटर देन द के एस पी, will be precipitated out from the solution by combination of the constituent ions। हो गई है? Yes, अगर आपका थर्ड में बता रहा हूं, आयनिक प्रोडक्ट इज लेस देन द के एस पी, मैं लाइक लिख देता हूं, क्यू सी इज लेस देन द के सी। किधर जाते थे आप? फॉरवर्ड। आप फॉरवर्ड जाने से देखो AgCl जो होगा, AgCl है ये सॉलिड, ये डिजॉल्व होके जाता है आपके इसमें Ag प्लस में एंड देन Cl माइनस। नाउ टेल मी, आप फॉरवर्ड जाएंगे तो और भी डिजॉल्व हो जाएगा, बैकवर्ड आएंगे तो प्रेसिपिटेशन होगा, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? सॉल्यूशन विल बी अनसेचुरेटेड, दैट इज नो प्रेसिपिटेशन। अनसेचुरेटेड का मतलब क्या हो गया? वो अभी उसमें डिजॉल्व होगा, अभी तो प्रेसिपिटेशन भी होगा, तो बाय सिंपली मिक्सिंग द टू सॉल्यूशन दैट विल फॉर्म द प्रेसिपिटेट, मे बी मे नॉट बी, दैट डिपेंड्स ऑन कंडीशन। आप जब 9th में पढ़ते थे तब बोलते थे, क्योंकि वहां पे एक्चुअली बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन लेके ऑलरेडी आप मिक्स कर लेते, जो आयनिक प्रोडक्ट हमेशा सॉल्वेटी से एक्सीड करेगा ही वहां पे, इसीलिए आप बोलते थे प्रेसिपिटेशन। यहाँ पे आपका एक्सट्रीमली डाइल्यूटेड भी वर्क कर पाएगा, तो यहाँ पे अफसोस समझ के बोल रहा हूँ, नहीं आता है। समझ में आ गया? ये कंडीशन होता है। अब देखो प्रेसिपिटेशन के लिए क्या रूल हो गया, अब देखो क्वेश्चन जो आता है नीतीश, तो क्वेश्चन का प्रिंसिपल क्या होता है? क्वेश्चन जब आता है तो क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं हमेशा सैचुरेशन के आसपास ही बनाओगे, मतलब कि एग्जैक्ट वैल्यू आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। आप बोलेंगे कि कैसे क्वेश्चन बनाते हैं, देखो यहाँ पे बता देते हैं, क्वेश्चन के थ्रू करवाऊंगा। लिखो क्या लिखो, अभी ये थ्योरी समझ में आया, स्कूल में पूछेगा तो बता दोगे ना आप? देखो यहाँ पे क्या बता रहा हूँ क्वेश्चन है।
देखना, ये देखना, वन ये लिखा ना यहाँ पे, वन आज कितना तारीख है, 20, देखो क्वेश्चन पढ़ो। बेरियम नाइट्रेट इज ग्रेजुअली डिजॉल्व इन द 1:10 कन हैज 4 मोलर सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट इज योर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, द कार्बोनेट कंसंट्रेशन, सोडियम कार्बोनेट कंसंट्रेशन सेम होगा। सर एट व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ Ba2+ विल प्रेसिपिटेट बिगिंस टू फॉर्म। बोल रहा आपको कि Ba2+ का कितना कंसंट्रेशन पे आपका प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होगा बेरियम कार्बोनेट का। आप बेरियम नाइट्रेट को मिक्स करो बेरियम सोडियम कार्बोनेट से, यहाँ पे चांस है बेरियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेशन का। तो बोल रहा है कि आपका कितना कंसंट्रेशन ऑफ Ba2+ आप ऐड करोगे सो दैट प्रेसिपिटेशन विल स्टार्ट। आई बात समझ में? तो रुको मैं थ्योरी क्या बता रहा, सुनो। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन बोला है कि दो कंडीशन होगा, या तो बोलेगा प्रेसिपिटेशन को अवॉइड करो, दो कंडीशन देगा आपको, बोले व्हाट शुड बी मिनिमम कंसंट्रेशन सो दैट स्टॉप द चांस ऑफ प्रेसिपिटेशन, या तो टू स्टार्ट द प्रेसिपिटेशन, दो कंडीशन देगा। रुको तो इसमें करेंगे क्या, इसका क्वेश्चन क्या होता है देखो। फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ बेरियम कार्बोनेट, इसी का प्रेसिपिटेशन बोल रहे क्वेश्चन में, Yes, द प्रेसिपिटेशन ऑफ बेरियम कार्बोनेट Ba2+ अ कार्बोनेट का जो कंसंट्रेशन होगा दैट शुड बी ग्रेटर देन द KSP, क्योंकि ये पार्ट दिखा रहा है आपका आयनिक प्रोडक्ट। आई बात समझ में? ये पार्ट क्या दिखा रहा है आपका, और आयनिक प्रोडक्ट दिखा रहा था, डेफिनेटली आयनिक प्रोडक्ट मस्ट बी ग्रेटर देन द KSP फॉर प्रेसिपिटेशन। अब क्या होगा कि आपको फाइंड करना था कि इसका Ba2+ का कंसंट्रेशन दैट शुड बी ग्रेटर देन दिस, क्योंकि इक्वल कर देंगे। देखो अगर यहाँ पे साइन ऑफ इक्वलाइजेशन देंगे तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपको स्लाइटली एक्सीड कर दो, मान लो कि 1 मोलर पे सैचुरेटेड था, 1.1 कर देंगे तो प्रेसिपिटेट कर जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, ये KSP अपॉन क्या हो जाएगा, कार्बोनेट का कंसंट्रेशन। ये मेरे को पता है कि सोडियम कार्बोनेट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, वो तो 100% दे देगा अपना कार्बोनेट। तो KSP देखो कितना है यहाँ पे, 5.1 × 10⁻⁹, और कार्बोनेट कितना है, 1 × 10⁻⁴। तो ये जब जाएंगे तो 5.1 × 10⁻⁵ क्या हो जाएगा, 5 मोलर। आप बताइए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। हाँ आप बोलोगे आपने तो ग्रेटर का साइन लिया, बेटा उससे ग्रेटर को कोई वैल्यू दिया ही नहीं आपका, कहाँ दिया वैल्यू, दैट इज लेस देन 5.1। अरे वैल्यू आपको मैंने क्या बोला कि जब भी क्वेश्चन देता है तो आपको सेचुरेशन में ही कैलकुलेशन करवाएगा, उसी के आसपास बोलेगा इसे ऊपर करेंगे तो प्रेसिपिटेशन, इसे नीचे कर देंगे तो बस। सर स्कूल की एग्जाम में ग्रेटर इक्वल का साइन देके क्वेश्चन बनाओ, खत्म करो, कर लेंगे। उसके नीचे एक क्वेश्चन होगा टू, उसके नीचे एक क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको, खुद से ट्राई कीजिए। क्वेश्चन दिया था कि सुनो आपके पास एक नॉन सोल्यूशन है एक अननोन सोल्यूशन है Ba2+ का, आपको ये बोल रहा है कि आपके पास सोडियम सल्फेट का और Ba2+ का एक अननोन सोल्यूशन है, आपने दोनों को मिक्स कर दिए, तो बोल रहा है कि फाइनल वॉल्यूम हो गया 500 ml। बोला है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के BSO4 का दिया है, तो व्हाट इज द अनिल का, बोल रहा है आपका कि जस्ट टू बिगिन प्रेसिपिटेट, ये जो टर्म होता है ना जस्ट टू बिगिन प्रेसिपिटेट, जस्ट टू स्टॉप द प्रेसिपिटेट, ये सब क्वेश्चन बनाने जाओगे तो साइन ऑफ इक्वलाइजेशन को हटा के ग्रेटर लेस का साइन करके ही बनाना, एग्जैक्ट आप सैचुरेशन कंडीशन का ही कैलकुलेशन करना, लेकिन साइन को थोड़ा रिवर्स करके रखना, बस इतना ही होता है। ये आपको हेल्प करेगा कहाँ पे, स्कूल के एग्जाम में, लेकिन जब आप कंपटीशन बनाने जाओगे तो वो वैल्यू वही एग्जैक्ट पुट कर दो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है आपको कि आपके पास दो सॉल्यूशन है,
एक Ba2+ का सॉल्यूशन है, एक सोडियम सल्फेट का है। आपने दोनों को मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद सॉल्यूशन हो गया 500 ml। फिर बोल रहा है आपको कि 500 ml जब मिक्स करने के बाद कर दिए तो आपको जस्ट स्टार्ट द प्रेसिपिटेशन ऑफ बेरियम सल्फेट। तो व्हाट शुड बी कंसंट्रेशन ऑफ Ba2+ इन द ओरिजिनल सॉल्यूशन, रिजल्टिंग सॉल्यूशन में नहीं बोल रहा आपको, ओरिजिनल सॉल्यूशन बोल रहा है। वो जो आप फाइंड करिए, आपने 1 × 10⁻⁹ जो फाइंड करेंगे, दैट शुड बी द सॉल्यूशन बेरियम Ba2+ कंसंट्रेशन इन द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। आपको फाइंड करना ओरिजिनल सॉल्यूशन में क्या था। आई बात समझ, क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको? ये नहीं बोल रहा है कि दोनों मिक्स कर दिए, मिक्स करने के बाद सॉल्यूशन में आपको Ba2, रिजल्टिंग सॉल्यूशन Ba2+ का कंसंट्रेशन आपको 1 × 10⁻⁹ मिलेगा। आपको पूछ रहा है ये जो आपका ओरिजिनल था इसमें Ba2+ कितना था, ये बताओ। आई बात समझ में, वो पूछ रहा है वो। सिंपल आपको बता दो क्वेश्चन, आपने 50 ml सोडियम सल्फेट लिया और एक अननोन सॉल्यूशन था, 50 ml आपने सोडियम सल्फेट लिया, मिक्स किए तो 500 ml आ गया, तो डेफिनेटली 450 ml होगा Ba2+ का। 450 ml किसका होगा? 50 ml आपने सोडियम सल्फेट लिया, अब Ba2+ का एक अननोन सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया, आपका सॉल्यूशन आ गया 500 ml। इसका मतलब 450 ml आपने Ba2+ का लिया था। आई बात समझ में? करो 8। देखो देखो, कल ये समझ में आए क्वेश्चन? देखो क्या कर रहा, देखना ये सॉल्यूशन मैं बता रहा हूं इसका, ये 2 का सॉल्यूशन ऑफ 2। देखो सॉल्यूशन ऑफ 2 कर रहा हूं, ये देखना। देखो आफ्टर मिक्सिंग मतलब आपका था ये कि आपके पास देखो था क्या, आपके पास एक सॉल्यूशन था, किसका था सॉल्यूशन था आपका, किसका? Ba2+ का एक सॉल्यूशन था, एक सॉल्यूशन था किसका आपका, बताइए, सोडियम सल्फेट का। दोनों को मिक्स कर दिए, रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो आ गया वो आ गया आपका 500 ml का। आई बात समझ में? ये कितना लिया था आपने, 50 ml ऑफ 1 मोलर किसका लिए थे अपने, सोडियम सल्फेट। आपको पूछ रहा है कि इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, इसका कंसंट्रेशन पूछ रहा आपसे, ये पूछ रहा आपसे, इसका मोलर कंसंट्रेशन पूछ रहा, किसका मोलर कंसंट्रेशन पूछ रहा आपसे। तो आप क्या करो, आफ्टर मिक्सिंग मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम सल्फेट क्या हो जाएगा? आपने कितना लिया था, 1 मोलर 50 ml लिया था, अब तो 500 ml हो गया, तो 0.1 मोलर। ये तो समझ में आई बात, ये सल्फेट कितना होगा सॉल्यूशन में, सल्फेट जो होगा मिक्सर में वो कितना हो जाएगा आपका, 0.1 मोलर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाएंगे तो आपको किसका प्रेसिपिटेशन रोकना है? किसका प्रेसिपिटेशन को रोकना है ये बता दो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाएंगे तो क्या होगा कि प्रेसिपिटेशन बिगिंस करना आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, Ba2+ और सल्फेट का जो कंसंट्रेशन होना चाहिए दैट शुड बी ग्रेटर देन KSP। ये होना चाहिए रूल। अब बताइए सल्फेट तो मिल गया आपको, अब सल्फेट कितना होना चाहिए, सल्फेट बेरियम 1 × 10⁻⁹ कितना था, 10। कितना जाएंगे, 1 × 10⁻⁹ बेरियम
मतलब कि ये तो पता चल रहा है कि आप क्या करोगे, देखो अगर ये कंसंट्रेशन आप मेंटेन रखोगे तो आपका सॉल्यूशन सैचुरेटेड होगा, इससे एक्सीड करोगे तो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, तो आपको बोलेगा कहाँ से, तो यही तो कंसंट्रेशन है, बट आपको फाइंड क्या करना है, मोलर कंसंट्रेशन किसका हो जाएगा, ये हो गया, ये कहाँ पे कंसंट्रेशन है। अब आइए कर ली कॉपी, अब ये सिंपल बताओ आप यहाँ पे कि आपने इसका 500 ml लिया तो इसका डेफिनेटली 450 ml होगा, क्योंकि एडिशनल तो वाटर आपने नहीं डाला। देखो Ba2+ का जो कंसंट्रेशन होगा ओरिजिनल सॉल्यूशन में वो क्या हो जाएगा, फाइनल कितना था 500, कंसंट्रेशन कितना था 10^-9 अपॉन कितना हो जाएगा 400, ये मोलर होगा। फिर से सुनो बताओ, रिजल्टिंग सॉल्यूशन में कितना, रिजल्टिंग सॉल्यूशन कितना था, ये जो कंसंट्रेशन वो तो 500 ml में, और आपको फाइंड कहाँ पे करना है 450 में, क्योंकि वो ओरिजिनल सॉल्यूशन है। ओके ओरिजिनल सॉल्यूशन ऑफ एरियम ऑफ Ba2+ सॉल्यूशन। अब बताइए इनिशियल आपने कितना लिया था, आप M1V1=M2V2 करोगे, इनिशियल आपका M1 फाइंड करना, V1 कितना था 450, फाइनल कितना रहा 1×10^-9, अब V2 कितना हो जाएगा 500, तो बताइए क्या हो जाएगा, M2 दैट इज द M1 फाइंड करना, दैट इज इनिशियल कंसंट्रेशन किसका फाइंड करना है, Ba2+ का, तो बताइए कितना हो जाएगा ये 450। तो कितना हो जाएगा ये 500, अपॉन 450 × 10^-9, बेटा बताओ कितना हो जाएगा कट कुट के, क्या हुआ। ये वाला जो किया था ये सेम ही है ना, हाँ वही है, वही है वही उस। चलो समझ में आई ये बात, समझ में आई बात, कैसे करेंगे ये देखो सुनो, दिया क्या था दो सॉल्यूशन को मिक्स किया था, दो सॉल्यूशन मिक्स करने के बाद रिजल्टिंग सॉल्यूशन से आपको पहले बेरियम Ba2+ का कंसंट्रेशन फाइंड करवाया, आप फिर जाके ओरिजिनल में बोला कंसंट्रेशन बताओ, कर लेंगे तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन थ्री तो बना लोगे, कॉमन कॉमन एन इफेक्ट, कितना ऑप्शन होगा खुद से चेक करो तो थ्री का, थ्री अगर बोलेंगे तो थ्री का ऑप्शन क्या होगा बताइए तो आप लोग, दीदी कल भी है मई कल भी हम सेंटर देवी है ना, चल ठीक है ठीक है ठीक है, तरह तरीका तरह तरीका, वो जो देखते हो ना बेटा कि एम्स जाना या बहुत बड़ा कॉलेज जाना, कोई बहुत बड़ा आईटी में क्रैक कर देता है, ऐसे नहीं क्रैक करता, बहुत कुछ रिटेन रखना पड़ता, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता तभी क्रैक करता, नहीं तो ऐसे नहीं क्रैक करता। इंजीनियर तो सब रहता है, यहाँ से एक स्टोन लो, यहाँ पे एक लो ये डब्बा, और रोड पे जाके मारो किसी को, जैसे बोलेगा तो बोलेगा हम इंजीनियर, देखो देखो महिंद्रा कंपनी का जो मालिक है आनंद महिंद्रा, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि वी आर जनरेटिंग लॉट ऑफ इंजीनियर इन इंडिया, बट 64 या 67% इन इंजीनियर्स इन इंडिया आई हैव नो स्किल, ट्रू है ये, ट्रू है ये। देखो डॉक्टर के पास क्या होता है कि वी हैव द लिमिटेड रिसोर्स,
एक मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए और बहुत ज्यादा लाइसेंस होता है, लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज में उतना पैसा नहीं चाहिए। एक मेडिकल कॉलेज में एक एक इक्विपमेंट जो होता है वो करोड़ों का होता है, और एक कंप्यूटर लैब लगाओगे तो उसमें करोड़ों में 200-300 कंप्यूटर रह जाएगा। मैं क्या बोला, मैं सुनो बता रहा हूँ। तो क्या होता है कि सुनो, अब क्या होता है कि अब मान लो किसी का क्या होता है ना, किसी का मान लो कि डांस करने का शौक होता है, पैशन होता है, किसी को नहीं होता ही है। अब इसको बिलीव, मान लो कि किसी को म्यूजिशियन बनने का होता है, होता है, क्यों नहीं होगा, आप ही में से कोई होगा। आप मान लो कि आप नहीं बनोगे, आप ही एज ग्रुप पियर्स ग्रुप जो होगा आप में से कोई जाएगा, कहाँ पे कोई जाएगा कोई नहीं जानता है। जो फैक्ट है बता देता हूँ, क्योंकि जो लूजर होता है हमेशा लूजर नहीं होता, कभी विनर भी बनता है। तो जो ड्रीम आप सेलेक्ट किए उसमें नहीं बनेंगे तो ऐसा नहीं कि आप लाइफ में खत्म ही हो जाएगा, बहुत सारा अपॉर्चुनिटी डॉक्टर देगा, बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, गॉड देंगे आपको। आप लाइफ में अगर मान लो ऑनेस्टली मेहनत करोगे तो लाइफ में आगे बढ़ोगे, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, सब बढ़ता है। आई बात समझ में? लेकिन ये जो होता है ना कि ये जो देखते हो कहीं पे कि ये आईटी क्रैक किया, ये मेडिकल क्रैक किया, तो वैसे नहीं। आप देखोगे मान लो कि जैसे मैं बता रहा हूँ, एक सिंपल स्टोरी बता रहा हूँ कि जैसे इंडियन क्रिकेट टीम हुआ था, अभी आपका हुआ था, क्या हुआ था, वर्ल्ड कप हुआ था। वर्ल्ड कप में जो हॉटस्टार है, हॉटस्टार ने पूरा स्पॉन्सरशिप लिया था 21,000 करोड़ में। तो वो पूरा क्रिटिसाइज हुआ था कि 21,000 करोड़ में आपने स्पॉन्सरशिप लिया, इतना महंगा क्यों लिया, आपने ये क्या। अब वो जो इनकम किया 1,08,000 करोड़ का इनकम किया। अब सोचो आप बोलोगे क्यों, आप जो कंपनी के जो टॉप पे रहता है, जिसका सैलरी रहता है 10 करोड़ पर एनम या 20 करोड़ पर एनम, उसको क्यों देता है इतना पैसा? उसी के लिए तो पैसा देता है, क्यों दिमाग लगाए कैसे प्रोजेक्ट आएगा क्या आएगा। तो वो क्या लगता है आपको, अनस्किल्ड रहता है वो, क्यों उसका इतना वैल्यू दे रहा है? कुछ उसके पास स्किल है तभी तो वैल्यू दे रहा है। ये कहाँ से आएगा आपका? प्लेटफॉर्म अच्छा चाहिए आपको। आप जितना भी देखोगे, जितना भी आप कहीं भी जाओगे, किसी भी कंपनी में जाओ, तो टॉप पोजीशन पे रहता है। देखो कहीं पे मिल जाएगा कि सचिन अडेला मिल जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन जनरली देखोगे तो उसका बैकग्राउंड जब देखोगे तो किसी टॉप इंस्टीट्यूट से ही कहीं ना कहीं वो लिंक रहता है उसका। आईआईटी में ऐसा नहीं था कि आईआईटी कॉलेज में जाता तो बहुत अच्छा पढ़ाई होता, बहुत ऐसा नहीं है, उससे बढ़िया सेटल तो वीआईटी वैल्यू होता है। लेकिन आईआईटी को क्यों उतना वैल्यू दिया गया, क्योंकि रीजन क्या होता है कि वहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसीड्योर होता है टफ होता है। तो डेफिनेटली वो जो बच्चा जाएगा वो थोड़ा स्किल रहेगा, उसके पास आईक्यू रहेगा, जो फैक्ट है। तो इसीलिए मैंने क्या बोला आपको कि आप साइंस पढ़ते हो इसका मतलब ये नहीं पढ़ते हो कि एकदम पूरा स्ट्रक हो जाओ वहीं पे, नहीं, थोड़ा एक्सप्लोरिंग होना चाहिए, थोड़ा प्रॉब्लम देते थोड़ा समझो उसको, थोड़ा एंजॉय करो, इंटरेस्ट लो, तभी आप जा पाओगे आगे, नहीं तो नहीं जा पाओगे। फोर्सली क्यों कहीं नहीं जा सकता आगे, मानते हो इस चीज को? अगर मैं किसी को फोर्सली बोलूंगा आप क्रिकेट करो क्रिकेट खेलो, आपको सचिन बनना है, तो फिर से नहीं बनेगा। अगर ऐसा होता सचिन का बेटा भी सचिन तेंदुलकर बन जाता, जो फैक्ट मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये सब होता है कि थोड़ा इंटरेस्ट लो, साइंस वही होता, अपने से खुद से पढ़ो, आप एक इंटरेस्ट लाओ, पढ़ो खुद से, खुद से ही पढ़ के बहुत आगे निकल सकते हो, मैं इतना गारंटी लेता हूँ आपको। जैसे क्या होता है ना कि इग्निशन टेम्परेचर होता है, इग्निशन टेम्परेचर अगर मिल जाएगा आपको तो आप स्पॉन्टेनियसली पढ़ते चले जाओगे, ये टेंडेंसी जनरेट कर। प्रेशर किसको नहीं होता, किसको स्कूल का प्रेशर नहीं होता बताओ? आपसे जो 2 क्लास 3 क्लास सीनियर होगा, जो टॉप करके कहीं गया होगा, उसको प्रेशर नहीं होगा स्कूल का बताओ? आप जिस स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो उसी स्कूल से कोई अच्छा रैंकर भी तो कभी रहा होगा, तो उसको प्रेशर नहीं होगा, वही स्कूल में पढ़ रहा था वो, ये क्यों नहीं सोचते हो आप? हमेशा ये सोचना कि जो प्रॉब्लम आप फेस करो उससे ज्यादा प्रॉब्लम दूसरा भी फेस करके लेकिन रिजल्ट लेके चला जाता है, यही बात समझ में? तो ये सब नहीं होता कि सर ये था ऐसा नहीं कर पाए, ऐसा नहीं कर पाए, इसका एक्सक्यूज वही देता है जो इनकेपेबल होता है, जो कैपेबल होता है वो सब एक्सक्यूज नहीं देता है, ये हमेशा याद रखना। कर लेंगे तो देखो यहाँ पे क्या होगा, मैं एक सॉल्यूशन बता रहा हूँ किसका, ये सॉल्यूशन 4 बता रहा हूँ, देखना। सॉल्यूशन 3 होगा ये, 4 होगा, 3 होगा। इसको स्पेस नहीं यहाँ पे तो मैं इसको अरेंज करता हूँ, रुको देखता हूँ यहाँ पे कर देता हूँ। सॉल्यूशन किसका करूंगा, 3 का, इतना ही में हो जाएगा, इधर का पेज ले रहा हूँ मैं। देखो सॉल्यूशन 3 क्या है, सुनो। आप
सिल्वर कार्बोनेट का सॉल्यूशन में जब सिल्वर नाइट्रेट देंगे तो कॉमन आयन होगा कि नहीं? किसका कॉमन आयन होगा ये तो पता है। टाइम जीरो लेंगे तो आप इसका कंसंट्रेशन मान लो कि वन मोल आपने पर लीटर में डिजोल्व किया, लेट कर लो क्योंकि इसका कंसंट्रेशन को तो इंक्लूड करेंगे नहीं, तो वन मोल आप पर लीटर आपने डिजोल्व करके देखा उसको, ये हो जाएगा आपका 0.1 मोलर। ये फ्रॉम AgNO3, वो तो ऑलरेडी सॉल्यूशन में है ना, ये क्या होगा जीरो। एट इक्विलिब्रियम पे जाएंगे तो E1 माइनस एस मतलब किसका, एस मोल पर लीटर डिजोल्व हो गया, वन माइनस एस लिए तो इसका मतलब कितना मोल डिजोल्व हो गया बताइए, वन माइनस एस का मतलब एस मोल पर लीटर इसका डिजोल्व हो गया। तो ये खुद जब एस मोल पर लीटर डिजोल्व होगा तो ये देगा 2s मोल पर लीटर, किसका देगा 0.1 प्लस 2s लिखेंगे, 0.1 ये क्या लिखेंगे आप s, ये कंट्रीब्यूशन किसका जो कि कंपेयर टू AgNO3 क्या होगा नेग्लिजिबल, तो इसको 0.1 मोलर ही रखेंगे। मैंने बोला था ना कि वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंट्रीब्यूशन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को ही कंसीडर करते, वीक इलेक्ट्रोलाइट को एक थप्पड़ दो बगल भाग यहाँ से भगा दिए उसको, केएस पी तो चेंज होने वाला नहीं है, केएस पी इक्वल टू क्या लिखेंगे आप एजी प्लस के स्क्वायर, ये क्या लिखेंगे कार्बोनेट। अब बताइए एजी प्लस आपका कंसंट्रेशन ये दिया होगा आपका कंसंट्रेशन 8, केएस पी दिया 8 × 10 का माइनस 12, अब एजी प्लस का कंसंट्रेशन कितना लेंगे 1 का स्क्वायर होगा क्योंकि कॉफिशेंट उसका 2 है, एस का क्या होगा एस वही तो मेरे को फाइंड करना है एस, बताइए एस क्या हो जाएगा आपका 8 × 10 का माइनस 10 मोल पर लीटर। बताए थे कि नहीं ये सब पिछले क्लास में बताए थे कि नहीं, सारा इन्फॉर्मेशन दिए थे आपको कैसे इग्नोर करना है कहाँ पे क्या करना। चलो समझ में आई बात, ये कर लेंगे, सुन कर लोगे ये। अब देखो फोर जो होगा वो आपसे बन जाएगा जिरकोनियम फास्फेट दिया है, एक जिरकोनियम फास्फेट है ZR जो जिरकोनियम बोला जाता है, ZR इज जिरकोनियम 4 देखो जिरकोनियम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बैलेंसी का होता है, तो जिरकोनियम 4 प्लस है, ये फास्फेट 3 माइनस होगा। आप KSP का एक्सप्रेशन लाना है इसके टर्म में तो नहीं ला पाओगे, अरे वो उससे क्या मतलब है, मेरे को एस सॉल्युबिलिटी दे उसके टर्म में फाइंड करना है KSP का एक्सप्रेशन, खुद से करके देखो क्या हो जाएगा, खुद से करो। जिरकोनियम क्या लिखेंगे 3Z4+ आ 4F4 3-, KSP जब आएगा देख लो क्या हो जाएगा, कितना होगा बताइए, अरे क्वेश्चन मैं भेज दूंगा, क्वेश्चन क्यों लिखते हो, ब्लैंक करके क्वेश्चन बनाओ सीधा, और
देखो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। आप एक्सप्रेशन मैंने बता दिया आपका, ये 3s का क्या हो जाएगा 3, ये 4s का क्या हो जाएगा 4, चेक कर लेना आप। यस सर, कर लोगे? आप बताइए। आप बताओ। दोनों के लिए सेम रखा था, क्यों नहीं होगा? एक ही सॉल्यूशन से था रहे थे, क्यों नहीं ऐसे लेंगे? कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है? ब्लैंक हो गए। एम क्यू भी है वो। बनाइए, फाइव बनाइए। देखो एक काम करो, फाइव क्वेश्चन आपने लिखा, लिखो नहीं, क्वेश्चन पहले देखो क्या दे, क्वेश्चन क्या दे यार, मैं बता रहा हूँ कैसे पूछ लोगे, बता रहा हूँ। ये नीट का भी क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, क्या क्या पूछा हुआ यहाँ पे, देखो ये जेई मेन का, ये भी जेई मेन का, देख लो सब ओवरलैप कर रहा है, स्पेस कम होने से। चलो यहाँ पे रखते हैं इसको, रुको अभी पहले इस पे वर्क करने दो, वही आ जाएगा फिर आ जाएगा। ये क्वेश्चन था, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सुनो क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि एक सॉल्यूशन है आपके पास, दैट सॉल्यूशन कंटेन द 0.1 मोलर ऑफ क्लोराइड एंड 0.01 मोलर ऑफ द क्रोमेट क्रोमेट सॉलिड AgNO3 आपने ग्रेजुअली उसमें ऐड किया, सॉलिड AgNO3 ग्रेजुअली आपने उसमें ऐड किया, तो वहां पे चांस होता है AgCl और सिल्वर क्रोमेट का प्रेसिपिटेशन का। आई बात समझ में? बोला कि जब आपके पास ये कंसंट्रेशन है क्लोराइड या क्रोमेट का, इफ यू आर ग्रेजुअली एडिंग द AgNO3, तो व्हिच वन शुड बी प्रेसिपिटेट फर्स्ट, अब व्हिच वन शुड बी प्रेसिपिटेट फर्स्ट, ये सबसे फर्स्ट होगा या सबसे लास्ट होगा, इस पे वर्क करना होगा। KSP is given. आप बताइए KSP अगर जाएंगे तो KSP तो मेरे को पता चल रहा है कि AgCl का ज्यादा कंपेयर टू सिल्वर क्रोमेट। आप KSP से कभी भी बेटा सॉल्बिटी कंपेयर मत करना। KSP अगर देख लेंगे, कंसंट्रेशन छोड़ दो, अगर KSP अगर कंसंट्रेशन इक्वल भी कर देगा तो दो सॉल्ट का KSP अगर देगा तो उससे सॉल्बिटी कंपेयर मत करना, पहले आप सॉल्युबिलिटी फाइंड करना उसका। केएसपी देगा तो सॉल्युबिलिटी तो फाइंड कर सकते हैं हम लोग, सॉल्युबिलिटी फाइंड करने के बाद हम लोग कंपेयर करते हैं सॉल्युबिलिटी, केएसपी पे नहीं। रुको देखो यहाँ पे कैसे बनाएंगे, देखो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करते हैं। देखो आपके पास एक सॉल्यूशन है, देखो सॉल्यूशन नहीं है, आपके पास एक सॉल्यूशन है, इसमें आपने क्या क्या रखा था यहाँ पे, देखो क्लोराइड था आपका कितना 0.1 मोलर, और क्रोमेट कितना आपका 1 मोलर, यही बोल रहा ना आपका। अब इसमें ऐड कर दोगे, सॉलिड ऐड कर लो, कौन सा सॉलिड ऐड कर लो आप, क्या होता है देखो कैसे क्वेश्चन बनाते हैं। देखो फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ AgCl क्या होना चाहिए, आयनिक प्रोडक्ट मस्ट बी ग्रेटर देन, मतलब Ag प्लस और Cl माइनस का कंसंट्रेशन शुड बी ग्रेटर देन द KSP। इसमें कंसंट्रेशन किसका फिक्स है, जैसे ये सॉल्यूशन है इसमें क्लोराइड है क्रोमेट है, आप तो ग्रेजुअली किसका कंसंट्रेशन चेंज करो, Ag प्लस का, क्लोराइड या क्रोमेट तो फिक्स रहेगा वो, ठीक।
आप देखो जो गिवन कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड है उसके कंसंट्रेशन के लिए एजी प्लस कंसंट्रेशन कितना चाहिए वो देख रहा हूँ। तो ये केएसपी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ किसका होगा, क्लोराइड। तो ये केएसपी तो दिया उसका, तो देखो 1.7 × 10 का माइनस क्या करेंगे अपॉन 0.। दिस इज द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ द एजी प्लस फॉर द प्रेसिपिटेशन ऑफ एजीसीएल। आई बात समझ में। सिमिलरली आप फाइंड कर लेंगे फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ सिल्वर क्रोमेट। प्रेसिपिटेशन के लिए जाएंगे एजी प्लस का जो कंसंट्रेशन होना चाहिए दैट शुड बी स्क्वायर रूट ऑफ द केएसपी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Cr4 2-, क्योंकि स्क्वायर है ना। एजी प्लस क्या था, स्क्वायर था ना, इधर जाएगा तो क्यूबिक रूट स्क्वायर रूट हो जाएगा ना। केएसपी का वैल्यू है यहाँ पे आपका 1.9 × 10^12। देखो अपॉन 0.001। ये वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखो ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा -9, उसको 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका ये आता है ना, ये करीब 20 × 10^-10 मोलर कर सकते हैं ना। 20 का वैल्यू होता है 4.4 करीब के करीब आता है, × 10^-5 मोलर। सुनो देखो ये तो पता है कि 20 जो होगा 20 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 4.4 के करीब तो आएगा ही। साइंटिफिक नोटेशन हमें से एक्सप्रेस करना। अब बताइए दिस इज द डिमांड फॉर द प्रेसिपिटेशन ऑफ एजीसीएल एंड दिस इज डिमांड फॉर द प्रेसिपिटेशन ऑफ सिल्वर क्रोमेट। आप सुनो जब सॉल्यूशन में आप ग्रेजुअल सुनो सॉल्यूशन में जब ग्रेजुअली आप सिल्वर नाइट्रेट देंगे तो आपका अरे सुनो, जब आप सॉलिब्रिटी जब देंगे चुपचाप साइलेंटली बैठे रहो, जब सॉल्यूशन में आप AgNO3 देंगे तो ग्रेजुअली आपका एजी प्लस का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। ऐसा नहीं होगा कि सडनली इंक्रीज होकर फिर डिक्रीज होगा, ग्रेजुअली वो इंक्रीज होगा। तो आप खुद से सोचो जिसका डिमांड कम होगा लाइफ में वो सबसे हैप्पी होता है, जिसका डिमांड कम होता है वो लाइफ में सबसे हैप्पी होता है, सबसे ज्यादा खुश वही होता है, और जिसका डिमांड ज्यादा होता है वो लाइफ में सबसे दुखी होता है। जैसे मुकेश अंबानी देखो लाइफ, हमें आप एक काम करो शेयर मार्केट नीचे जाता है बेचारा सर पकड़ के बैठ जाता है, वो आपको लगता है जब हम लोग आकाश में काम करते थे, सुनो आकाश में काम करते थे तो आकाश में जो सीन यहाँ पे जिनका फ्रेंचाइजी लिए हुए हैं सीधा बोलते थे सर हम लोग एक्सपेक्ट करते एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ज्योमेट्रिकल ग्रोथ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। अगर जितना इनकम इस साल हुआ उतना इनकम अगर अगला साल देंगे और उससे थोड़ा होगा तो बिजनेस को लॉस मानेंगे, प्रॉफिट नहीं मानेंगे। आई बात समझ में। तो वो उस लॉजिक से सोचोगे ना तभी लाइफ में आगे बढ़ोगे। सुनो सुनो मैं बता रहा हूं, तो लाइफ में अगर आपका सुनो लाइफ में अगर श्रीजीत का होगा कि मैं डॉक्टर बनूंगा, सुनो डॉक्टर बनूंगा, अरे सुनो डॉक्टर बनूंगा, डॉक्टर मैं एम्स से करूंगा, इसने पूरा जोर शोर लगाया एम्स पहुंच भी गया, मान लो कि एम्स पहुंच गया, आप क्या हो डॉक्टर बन के निकला, लेकिन आप खुश हो कि वो जो 5 ईयर 10 ईयर का आप जर्नी होगा, 10 ईयर का जर्नी होगा, एक बढ़िया डॉक्टर बनने के लिए 10 ईयर चाहिए आपको, क्योंकि पीजी के बाद एमबीबीएस करने के बाद सब कुछ करने 10 ईयर लग जाता है, मोरलेस लग जाता है ये जर्नी। 10 ईयर में आपका जो स्टेट ऑफ माइंड बहुत चेंज भी हो सकता है। तो श्रीजीत का चेंज होके आया बोला कि मैं लो कॉस्ट में इलाज करूंगा मेरे, सुनो सुनो हो सकता है ये, दैट इज ट्रू। सुनो अरे मेरे को बताने तो तू भले, बीच में देखो सुनो अरे अरे की तुम्हें बोलती मारेंगे इसी से बोल दोनों संद्रो। सुनो अब क्या होगा कि श्रीजीत का मन किया कि नहीं मैं फ्री में इलाज करूंगा तो या कम फील होगा, क्योंकि श्रीजीत का एक्सपेक्टेशन एस्पिरेशन नहीं है ऐसा कि मेरे पास एक BMW हो, ऐसा नहीं है उसका, ऐसा नहीं कि मेरे पास बहुत बड़ा बंगला हो, ऐसा नहीं ख्वाब है।
सुनो सुनो, अब देखो उसके पास होगा वो अलग बात है, ठीक है, उसके पास होगा ना, मैं एक एग्जांपल से आपको बता रहा हूँ कि ऐसा एक्सपेक्टेशन है। तो बेटा क्या होता है कि डिमांड ज्यादा नहीं होगा तो डेफिनेटली लाइफ में अगर आपका कंडीशन वर्स होगा ना तो आप ज्यादा पैनिक नहीं होंगे, राइट। अगर डिमांड आपका ज्यादा होगा तो आपको उसके अकॉर्डिंग वर्क भी करना पड़ेगा, और आप जितना, सुनो, आप जितना आपने वर्क किया उसके अकॉर्डिंग आपको अगर आउटपुट नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली आप डिमोटिवेशन होंगे, होता ही है। तो वही होता है यहाँ पे कि सुनो, सॉल्यूशन में मैंने क्या किया, यहाँ पे AgNO3 दिया, तो AgNO3 के साथ क्लोराइड अक्रोमेट दोनों द्वारा मैं प्रेसिपिटेट हूंगा, तो मैं प्रेसिपिटेट हूंगा, Ag प्लस वाला रुक पहले आएगा मेरे पास क्लोराइड, क्योंकि क्लोराइड को प्रेसिपिटेट कराने के लिए कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस क्या चाहिए, लो। अक्रोमेट को प्रेसिपिटेट कराने के लिए कंसंट्रेशन क्या चाहिए, हाई। तो क्रोमेट ऐसे देखते रहेगा, अक्लोराइड स्पिरिट होता है बोले हाय करके नीचे बैठ जाएगा, हाय करके नीचे। आई बात समझ में, आई बात समझ में। सुनो सुनो, अब आपने देखा होगा, सुनो, अब क्या होगा यहाँ पे, चलो छोड़ो, अब ये क्या होगा, ये कंसंट्रेशन किसका, ये इसे टू प्रेसिपिटेट तेजी सीएल, अब इसे द कंसंट्रेशन टू प्रेसिपिटेट द सेल पर क्रोमेट, आपको दिख रहा है यहाँ पे कि टू प्रेसिपिटेट द सेबल क्लोराइड शुड बी लो कंसंट्रेशन, तो इसीलिए क्या होगा, ये क्या होगा, मिनिमम कंसंट्रेशन फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ किसका, AgCl। ऑर्डर ऑफ प्रेसिपिटेट कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ प्रेसिपिटेशन अगर जाएंगे तो सबसे पहले कौन हो जाएगा, AgCl, और उसके बाद कौन हो जाएगा आपका, देखो सिल्वर क्रोमेट। अब आपको क्या लगता है कि सिल्वर क्रोमेट का जब प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होगा तो क्लोराइड क्या होगा, सारा का सारा प्रेसिपिटेट हो जाएगा। याद रखना कि कोई भी रिएक्शन 100% एफिशिएंसी के साथ नहीं होता, इसीलिए ऐसा नहीं कि सिल्वर, मान लो कि एक पॉइंट के बाद जैसे आप ग्रेजुअली सिल्वर नाइट्रेट को ऐड करोगे तो एक पॉइंट के बाद आपका देखो सिल्वर क्लोराइड तो प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट हो गया, कुछ टाइम के बाद देखना कि सिल्वर क्रोमेट भी प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन बेटा याद रखना कि जब सिल्वर क्रोमेट प्रेसिपिटेट स्टार्ट हो जाएगा तो ऐसा नहीं कि आपका क्लोराइड पूरा का पूरा चला गया, लो कंसंट्रेशन हो जाएगा सॉल्यूशन में, लेकिन अभी भी वो क्लोराइड कुछ ना कुछ है, मतलब कि कहीं भी प्रेसिपिटेट करवाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि सारा का सारा आयंस को आपने वहां पे एलिमिनेट करवा दिया। आई बात समझ में, कुछ ना कुछ वहां पे सैचुरेशन कंडीशन के लिए कुछ ना कुछ मेंटेन करके रखता है हमेशा, इसलिए ऑल क्लोराइड विल बी प्रेसिपिटेट आउट बिफोर द प्रेसिपिटेशन ऑफ क्रोमेट, नेवर। तो जे एडवांस का जब क्लास लेंगे तो वहां पे बताएंगे कुछ पॉइंट पे जाके इसका क्या कंसंट्रेशन होगा, तो वो सभी क्वेश्चन बताएंगे। अभी आपको देखा, अभी आपने कंपेयर किया तो आपको देखा किसके मिनिमम कंसंट्रेशन चाहिए, AgCl के लिए, तो कौन प्रेसिपिटेट होगा, AgCl। अब खुद से सोचो, देखो समझ में आई है, अब देखो, अब क्वेश्चन देखो, ऑप्शन देखेंगे, ये बोले AgCl विल प्रेसिपिटेट फर्स्ट एज द Ag प्लस नीडेड टू प्रेसिपिटेट इज लो। अगर मैं बोलूंगा सिल्वर को प्रेडिक्ट फर्स्ट बिकॉज द अमाउंट ऑफ Ag प्लस नीडेड लो, रॉन्ग, उसके लिए तो हाई चाहिए। फिर बोले AgCl प्रेसिपिटेट फर्स्ट बिकॉज द Ksp इज हाई, नो, Ksp से प्रेसिपिटेशन का कोई रिलेशन ही नहीं है। आई बात समझ में, Ksp से प्रेसिपिटेशन का कोई रिलेशन ही नहीं होता, Ksp को हेल्प लेकर प्रेसिपिटेशन का कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हो कहाँ से प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होगा, लेकिन Ksp कभी ये नहीं बोलेगा कि कौन प्रेसिपिटेट फर्स्ट होगा कौन प्रेसिपिटेट लास्ट होगा। फिर बोला है सिल्वर क्रोमेट प्रेसिपिटेट फर्स्ट केस भी लो, लो, तो बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा आई बात समझ में, कर लेंगे कर कर लेंगे यहाँ पे, आई बात समझ में। अब देखो देखो इधर, ये जो क्वेश्चन है उसी पे बेस क्वेश्चन है, ये नीट का बहुत पुराना क्वेश्चन है ये, देखो इसमें सुनो, इसमें दिया है कि 0.1 मोलर सॉल्यूशन सबका, यहाँ पे आपने सोडियम फॉस्फेट देना स्टार्ट किया, तो बोल रहा है कि सबसे पहले सब देखो विच विल प्रेसिपिटेट एट लोएस्ट कंसंट्रेशन, मतलब कि सबसे पहले कौन प्रेसिपिटेट होगा, क्योंकि आप सॉल्यूशन ये Ag प्लस कार्बोनेट है क्या आपके पास, क्या आपके पास सॉल्यूशन जो है, देखो आपके पास सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन वो किसका है, सॉल्यूशन आपका 0.1 मोलर सॉल्यूशन देखो Ag प्लस का ही है, ऐसे में कौन होगा आपका 0.1, कौन है आपका Ca2 प्लस होगा, और कौन होगा आपका Mg,
टू प्लस होगा। इस मैट किसको करो बेटा आप, सोडियम फॉस्फेट को। सोडियम फॉस्फेट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये आपका सॉल्यूशन है। इसमें आपको बोला है कि जब इसको आप ऐड करोगे तो सबसे पहले देखो, जैसे सिल्वर फॉस्फेट का प्रेसिपिटेशन हो सकता है केएसपी दिया, कैल्शियम फॉस्फेट का भी प्रेसिपिटेशन होगा केएसपी दिया, मैग्नीशियम फॉस्फेट भी हो सकता है और सिल्वर एल्युमिनियम फॉस्फेट भी हो सकता है, क्योंकि एल्युमिनियम भी दिया था वहां पे, देखो एल्युमिनियम भी दिया था, एल्युमिनियम का भी हो सकता है वहां पे दिया ही। ये सब आयन्स है आपका, 0.1 मोलर है सबका कंसेंट्रेशन, और उसमें आप सोडियम फॉस्फेट को ऐड करो, बोल रहे कि कौन पहले प्रेसिपिटेट होगा वो आपको चेक करना है। तो आपको क्या करना है, जैसे अभी क्वेश्चन बन रहे थे वैसे ही क्वेश्चन करके आपको मिनिमम कंसेंट्रेशन फॉस्फेट के क्या चाहिए प्रेसिपिटेशन के लिए वो फाइंड करना आपको। तो जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि ऑप्शन ए पे जब जाएंगे फॉर प्रेसिपिटेशन देखोगे, फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ किसका, प्रेसिपिटेशन ऑफ सिल्वर फॉस्फेट का जाएंगे, तो आपका जो फॉस्फेट का कंसेंट्रेशन चाहिए दैट शुड बी के एस पी जाएंगे, तो 1 × 10⁻⁶ हो जाएगा अपॉन 0.1 का क्यूब हो जाएगा, तो 1 × 10⁻³ मोलर। ये बहुत हाई कंसेंट्रेशन है, ये तो मेरे को जहां तक लगता है सबसे लास्ट में यही जाएगा, बहुत हाई चाहिए ना ये। कैल्शियम उसके बाद जाएंगे फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट जाएंगे, तो ये जो फॉस्फेट का कंसंट्रेशन होगा ये होगा, देखो स्क्वायर रूट ले लेंगे, सबसे पहले फॉस्फेट का स्क्वायर आएगा के एस पी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सी ए टू प्लस का क्या लेंगे हम लोग, 3। क्यों लेंगे बताओ, क्योंकि आप एक्सप्रेशन से देखो। अब देखो यहाँ पे के एस पी कितना दिया आपका, ठीक अपन 0.1 का 3 करोगे तो देखो 1 × 10⁻¹० आ जाएगा, नहीं 15 आ जाएगा, ठीक नहीं आ जाएगा 15 आ जाएगा ना, तो देखो 1 × 10⁻¹० क्या हो जाएगा, 15 आएगा। मतलब ये चाहिए, देखो उससे तो लो चाहिए, तो ये तो पता चला सिल्वर फॉस्फेट से पहले कैल्शियम फॉस्फेट पहले प्रेसिपिटेट होगा। सिमिलरली आप जाएंगे दूसरा के ले जाएंगे, तो ये सब ओरली होता है, ये सब प्रैक्टिस इतना करो कि ओरली कर लोगे इस क्वेश्चन। देखो नहीं नहीं दिमाग में लेके चलोगे ना तो अपने आप आ जाता है ये सब। देखो फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ किसका जाएंगे, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम फॉस्फेट भी सेम होगा वहां पे, मैग्नीशियम फॉस्फेट का जब जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा के एस पी कितना, 1 × 10⁻¹⁴ क्या है आपका, 24 है ये, 0.1 का क्या करेंगे क्यूब, ये क्या करेंगे देखो 10 × 10⁻²² कर सकते हो, इसको 3.34 करीब कर सकते हैं हम लोग, 10⁻¹ⁱ मोलर। आई बात समझ में, अब लास्ट में जाएंगे तो उसमें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा, तो एल्युमिनियम फॉस्फेट है ये, तो फॉस्फेट जो जाएंगे एल्युमिनियम फॉस्फेट का दैट शुड बी के एस पी, तो के एस पी कितना आपका, 20 × 0.1, ये 1 × 10⁻¹⁹, आप बताइए, आप बताइए सबसे लो कंसेंट्रेशन चाहिए एल्युमिनियम फॉस्फेट के लिए, उसका चाहिए कैल्शियम फॉस्फेट, उसका मैग्नीशियम फॉस्फेट, सबसे लास्ट में आएगा सिल्वर फॉस्फेट। आई बात समझ कर लेंगे, तो ऑर्डर प्रेसिपिटेशन जो होगा यहाँ पे ऑर्डर ऑफ प्रेसिपिटेशन जो होगा इसमें सबसे ज्यादा किसका होगा, सबसे पहले एल्युमिनियम फॉस्फेट जाएगा बिकॉज द लो कंसेंट्रेशन फॉर द प्रेसिपिटेशन, देन कैल्शियम फॉस्फेट, देन मैग्नीशियम फॉस्फेट, एट लास्ट सिल्वर फॉस्फेट। ये सबको देखते रहेगा, सब जा रहा है सब जा रहा है, मैं बैठा हूँ सब जा रहा है सब जा रहा है, ये कटप्पा है लास्ट में जाएगा ये। आई बात समझ में, ये बैठा हुआ ये सबको देख रहा है, सब जा रहा है सबको नीचे देख रहा है कि बैठ रहा है, ऊपर से देख रहा है, लास्ट में ये खुद चला जाएगा।
आई बात समझ में? तो आप देखा यहाँ पे कि ये लास्ट में जाएगा, ऑर्डर ऑफ प्रेसिपिटेशन आपने देखा, इसे बोलता है कि सबसे हाई कंसंट्रेशन किसके लिए चाहिए था, एल्युमिनियम किसका, सिल्वर फॉस्फेट होता, आपको बोला कि लो कंसंट्रेशन चाहिए तो उसके लिए कौन हो जाएगा, एल्युमिनियम फॉस्फेट, तो कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? आप हमेशा याद रखना कि एनी क्यूबिक का सबसे कंसेप्चुअल टॉपिक यही है, क्वेश्चन डालता है इससे, कर लेंगे। अब देखो उसके बाद जो क्वेश्चन है उसमें क्या देखो, व्हिच आर द फॉलोइंग मोस्ट सॉल्युबल, इसमें क्या करेंगे, एक ही टाइप का देखो, देखो ये क्या होगा, एक ही टाइप का है कि नहीं, दोनों में सॉल्युबिलिटी का फाइंड करेंगे तो केएसपी का स्क्वायर होगा कि नहीं, तो जब देखना कि केएसपी स्क्वायर आएगा सबका एक्सप्रेशन में तो इसका मतलब सेम टाइप का सॉल्ट है, तो दोनों में क्या होगा, इसका भी स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट आएगा, तो डेफिनेटली इसका स्क्वायर रूट ज्यादा होगा, इस दोनों में अगर कंपेयर करेंगे तो ये ज्यादा सॉल्युबल होगा, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं आएगा, वहां तो क्यूबिक रूट सब आएगा या 1/5 आएगा, ऐसा कुछ रूट आएगा, तो उसमें तो चेंज हो जाएगा, तो इस टाइप का जब एक्सप्रेशन रहेगा तो आप सबका इंडिविजुअली फाइंड कर लेना, टाइम टेकिंग नहीं होता। देखो आपको ये पता है कि एक्सपोनेंट कितना आएगा इसमें, 5, तो यहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी जाएंगे, मान लो कि S1 लिए तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी क्या होगा, 1 × 10^17 लेंगे और अपॉन क्या करेंगे तो 108 एक्सपोनेंट लेंगे 1/5, बिस्मथ 108 नहीं हो जाएगा, 339, मोलर मास कहाँ से आएगा, बिस्मथ लेंगे यहाँ पे 2s, सल्फर लेंगे 3s, तो 2s का स्क्वायर और 3s का क्यूब, अपने आप तो 108 आ जाता है। अब देखो सुनो क्या करेंगे, इसको 100 लेके अगर चलेंगे मान लो, तो ये क्या हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली, ये जो होगा आपका ये होगा 10^1, ये 68 चला जाएगा, नहीं, 72 चला जाएगा, 70 को 1/4 करना है आपको, आप 100 अगर कर देंगे तो 10^1 क्या हो जाएगा, ये आपका 100 नहीं करेंगे उसको हम 70, तो 14 17 है तो 14 7 जाए कितना होता है, 14 14 5 जाए कितना होता है, 14 5 70/14 के एक्सपोनेंट के करीब आएगा, आई बात समझ में? तो ये अप्रोक्सीमेटली जब नीचे जाओगे ना तो नीचे आज का 5 जाएंगे तो ये आप देखो ना कितना होता है, 2 का 5 लेते थे कितना होता है, 2 का 5 लेते, 3 का 5 लेंगे तो 108, तो नहीं ये नहीं, ये जहां तक मैं देखता हूँ ना इसका वैल्यू, इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली जाएंगे ना तो 5 × 10^-15 आ जाएगा, मैंने क्या किया, -17 को 1/5 था तो -17 को मैंने -14 में कर दिया, नीचे का वैल्यू हो जाएगा साइंटिफिक 1.2 समथिंग आएगा, अब 1.2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 समथिंग आएगा, तो उसको साइंटिफिक में लेके -15 कर दिया, 1/2 पॉइंट समथिंग आएगा, एग्जैक्ट तो 1/3 तो नहीं आएगा, 1.2 आएगा, आप 1/2 कुछ भी डिवाइड करोगे तो उधर क्या होगा, 0.4 या 0.5 आएगा, तो उसका साइंटिफिक लेंगे तो 10^-15 चला ही जाएगा। अब इसमें जाएंगे S2 जाएंगे, तो S2 जाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो 6 × 10^51 अपॉन हो जाएगा 4 क्यूबिक रूट, तो 4 जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 पॉइंट, इसको इसको लेके तो इसमें हैंग कर गए, बोल मालिक प्रभास क्यों लेंगे या कॉफिशियंट जो लेते उसका एक्सपोनेंट है ये सब। अब देखो यहाँ पे ये 1.1 जो होगा ये वो क्या होगा, 1 पॉइंट इस पे डिवाइड करेंगे हम लोग तो 1.5 हो जाएगा, × 10^51 करेंगे उसका क्यूबिक रूट लेंगे 20, अरे रुको तो सही है, 18 3 कितना होता है, 18 3 कितना,
51 होता है ना, तो ये 1.1 लेके चलते हैं इनटू 17 कर देते हैं, क्या प्रॉब्लम है? 73 या 51 होता है ना आपका। अरे बेटा 1.1 करोगे, देखो 1.5 का क्यूबिक रूट करेंगे तो 1.10 कुछ आएगा, 1.1 इनटू 1.1 करो अप्रोक्सीमेटली उतना ही आएगा। एक 1.1 करेंगे तो 1.21 को फिर 1.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा भाई, तो 1.5 1.4 के करीब रहेगा आपका। तो वही अप्रोक्सीमेटली रखो ना, साइंटिफिक तो आएगा ही आपका, तीसरे 10 का बना 17 मोलर तो जाएगा। अब बताइए इसमें तो इस रुको, अब इसमें क्या होगा कि इसमें जब जाएंगे इसमें तो इसमें S3 आ जाएगा, S3 आ जाएगा तो इसमें स्क्वायर आ जाएगा आपका, स्क्वायर रूट ऑफ जाएगा किसका, 8 × 10 का माइनस 37। ये जाएंगे IT कर देंगे तो 80 करेंगे तो 80 का स्क्वायर रूट कितना होगा, ये आपका 9 के करीब आएगा, 9 × कर देंगे 10 का माइनस 18 कर देते हैं हम लोग, ये 9 कितना हो जाएगा, थर्टी सिक्स नहीं करोगे 39 हो जाएगा, 38 हो जाएगा, तो वही हो जाएगा आपका 19, 80 करेंगे तो -38 हो जाएगा वो। इसमें जाएंगे तो S4 जाएंगे तो इसमें हो जाएगा आपका 7 × 10 का ना 16, और उसका भी स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 7 हो जाएगा, तो डेफिनेटली मेरे को पता है कि 2 का मल्टीपल आएगा कुछ, तो 2 पॉइंट जो भी आएगा अपना देख लेना आप। हेलो 8 लिख देते हैं, इंटू 10 का ना क्या होगा 8 मोलर। बताइए सबसे देखिए इसका सॉल्युबिलिटी चेक कर लो, सबसे मोस्ट सॉल्युबल होल्डर। तो चलो 2.6 लिए तो 10 का माइनस 8 लेंगे तो वही होगा ना सबसे सॉल्युबल। अरे ये कहाँ पे एक्सपोनेंट -19 देख रहे हैं, यहाँ पे -8 देख रहे हैं, तो ज्यादा सॉल्युबल कौन होगा? अरे हायर वैल्यू कौन होगा जो एक्सपोनेंट में नेगेटिव हो जाएगा, कहाँ जाते हैं ये लोग साइंस पढ़ने। अरे सॉल्युबिलिटी जाएंगे तो इसमें सबसे ज्यादा होगा 4 का, एक सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगा 4 का, उसका होगा 1 का, उसके बाद होगा 3, उसके बाद होगा 2। नहीं, रॉन्ग कर दिए, 2 और 3 होगा। चलो सुनो, ये समझ में आने के केस भी आप देखो, सुनो अगर देखना है कि इफ यू आर गेटिंग द एक्सप्रेशन ऑफ द केस केएसपी सेम फॉर दिस ऑल इनसॉल्युबल सॉल्ट, अगर जो भी ऑप्शन में देगा इफ यू आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ केएसपी एक्सप्रेशन सेम फॉर द ऑल सॉल्ट्स देन केएसपी हेल्प टू फाइंड द सॉल्युबिलिटी, जिसका केएसपी ज्यादा उसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा। अगर मान लो देखो यहाँ पे दोनों में कंपेरिजन देख लो आप, किसका ज्यादा है, माइनस का सॉल्युबिलिटी ज्यादा है कि नहीं। अगर आप देखेंगे कि एक ही टाइप का केएसपी का एक्सप्रेशन नहीं आ रहा तो फिर रुक जाना, पहले आप सॉल्युबिलिटी फाइंड करना है उसके बाद कंपेयर करना, भाई बात समझ में। नहीं तो जैसे स्टूडेंट क्या करता है, सीधा देखता है केएसपी, अब बोलता है कि केएसपी तो का बोलता है कि इसका केएसपी ज्यादा सबसे कम है, देखो सबसे कम है ज्यादा है तो बोलेंगे सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा। बेटा आप यहाँ पे निकल गए आगे, क्यों? क्योंकि अनफॉर्चुनेटली सब में वो वैल्यू होता। हाँ अब क्या होता है, अब आपके पास दो ऑप्शन क्या होते हैं, सुनो अगर ये क्वेश्चन आप चाहते हो कि थ्योरेटिकली बना ले, मतलब कि विदाउट एनी कैलकुलेशन, तो वो क्या होता है कि कुछ ग्रुप केमिस्ट्री होता है, सॉल्ट एनालिसिस होता है। सॉल्ट एनालिसिस का कुछ मैं एग्जांपल्स यहाँ पे बताने जा रहा हूँ ताकि इस टाइप का क्वेश्चन को इजीली आप विजुलाइज कर लो। तो अगर आपके पास सॉल्ट एनालिसिस का थोड़ा भी आइडिया रहेगा और उसमें अगर बेसिक रेडिकल्स का इंफॉर्मेशन थोड़ा भी रहेगा तो आप इस क्वेश्चन को विदाउट कैलकुलेशन भी करके निकल जाओगे, क्योंकि मेरे को पता है यहाँ पे कि 1, 2, 3 जो जो भी कैटायंस आ रहा है वो ग्रुप 2 का आ रहा है, ग्रुप 4 का एक ही है मैग्नीज 2+, और ग्रुप 4 का सल्फाइड ज्यादा सॉल्युबल होता है ग्रुप 2 से, तो बस हो गया ग्रुप 4 का निकल के मैं भाग गया हूँ। आई बात समझ में, तो वो सबसे बेस्ट थ्योरी होता है क्योंकि वहां पे सॉल्यूशन अवॉइड करते हैं। इसमें क्वेश्चन सुनो, इसमें क्वेश्चन देने का साइंटिस्ट जो भी क्वेश्चन देता है टीचर, यहाँ पे यही होता है कि आप देखते हैं थ्योरेटिकली अगर रिच है
कंसेप्चुअलाइजेशन तो आपको टाइम नहीं लगेगा, यानी कंसेप्चुअलाइजेशन नहीं तो आप बनाते रहो टाइम वेस्ट करते रहो। आई बात समझ में? ये कैसे करोगे क्वेश्चन आया समझ में? अब देखो मैं इसका थ्योरी देता हूँ, लिखो देखो क्या थ्योरी होता है। नोट करके लिखो, देखो देखो क्या होता, सुनो देखो ये जो नोट्स बता रहे हो देखो क्या हो जाएगा। देखो एक होता ग्रुप वन, ग्रुप वन में कौन कौन होता सुनो, ग्रुप वन में होता आपका एजी प्लस, Pb2+ और HG वो अलग है, ये एजी। हाँ वही है। सुनो ये सब सॉल्यूशन में है, आप क्या करेंगे देखो, यहाँ पे Hg2+ मर्क्यूरस है, मर्क्यूरस है ये मर्क्यूरस है, मर्क्यूरस होता ग्रुप वन में। आप क्या करते हैं इसमें डाइल्यूट HCl दे देते हैं हम लोग, ये होता है ग्रुप रिएजेंट्स, ग्रुप वन का क्या होता है ग्रुप रिएजेंट क्या होता है, यहाँ पे होता है व्हाइट प्रेसिपिटेट। रुक ये क्या होता है व्हाइट प्रेसिपिटेट, अरे बहुत व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। आप क्या होता है कि व्हाइट प्रेसिपिटेट होने के बाद क्या होता है, सुनो इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको 12th में पढ़ाएंगे, अभी नहीं, अभी थोड़ा इन्फॉर्मेशन देता है कि क्वेश्चन बना लेंगे। देखो व्हाइट प्रेसिपिटेट आ गया, अब क्या होता है देखो, अगर हॉट वाटर में डिजॉल्व हो गया, अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट सॉल्युबल इन हॉट वाटर तो डेफिनेटली वहां पे कंफर्म हो गए कि Pb2+ है। आई हाँ बात समझ में? बीरफ दलाल का जो बुक होता है, SSC बोर्ड का जो बीरफ दलाल का बुक होता है, उसमें पूरा दिया रहता है। देखो देखो इसमें क्या होगा, अगर मान लो कि सॉल्युबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन, तो समझ लो वहां पे एजी प्लस था, कौन था वहां पे एजी प्लस। अगर सॉल्युबल नहीं, अगर मान लो कि आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन दिया, अब व्हाइट प्रेसिपिटेट ब्लैक हो गया, ग्रे कलर आता है, ग्रे इस कलर होता है किसका, मरकरी का ब्लैक कलर अगर आ गया, ब्लैक प्रेसिपिटेट होगा, मतलब प्रेसिपिटेट जो होगा वही होगा, तो आपका हो जाएगा वो Hg2+। सब रिएक्शन ये सब जो होता है सबका रिएक्शन मैं बताऊंगा 12th में, अभी नहीं, अभी क्या बता रहा सुनो करा रहे थे, अच्छा बात है करो। सुनो देखो होता क्या, सुनो Ag+ में गए वो सॉल्युबल इन इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड, उसमें वही सेम रीजन थे। अगर ये अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड या अमोनिया का सॉल्यूशन लेंगे, अगर कलर ब्लैक हो गया तो समझ लो Hg2+ है, अगर डिजॉल्व हो गया तो समझ लो वो Ag+। आई बात समझ में? अब क्या होता है, क्या देखो यहाँ पे AgCl को जैसे ही क्लोराइड मिलता है तो बल्ले बल्ले बोलते हैं क्या करेंगे हम, प्रेसिपिटेट करेंगे, प्रेसिपिटेट कर गए ये, लेकिन खुद से बताइए सॉल्यूशन में कुछ ना कुछ तो डिजॉल्व होगा ना यहाँ पे। अब अमोनिया जैसे उसके साथ आ गया एक्वस सॉल्यूशन, बेचारा बहुत खुश हो गया, बहुत खुश हो गया, जैसे मम्मी मिलती बहुत दिन के बाद तो खुश हो जाते हैं ना, मान लो मम्मी चली गई 8 आवर 10 आवर बाहर रही, जैसे घर से तो मम्मी देख के खुश हो जाते हैं ना, मम्मी को देख के वैसे ही हो गया, अमोनिया को देख के Ag+ खुश हो जाता है, अब तो प्रेसिपिटेट करेंगे, अब तो डिजॉल्व हो जाएंगे। देखो ये देखो NH3 2 Ag+ ये बनाया, अब सुनो
आपने जब NH3 दिया तो NH3 लेके भाग गए जी प्लस को, तो लीच एटलर्स क्या बोलता कि जब आप प्रोडक्ट को भगाओगे तो एकुलियम तो फॉरवर्ड जाएगा, तो फिर AgCl डिजॉल्व हो जाएगा। आई बात समझ में, Ag प्लस क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा वहां पे। तो ये क्या होता है आपका स्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है। प्रोडक्ट को गेट डिजॉल्व इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सोल्यूशन लिखो या अमोनिया लिखो, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कॉम्प्लेक्स। एक कॉम्प्लेक्स बना रहना वहां पे, सर तो आपको बोलेगा कि AgCl दे देगा। मान लो AgCl दे दिया आपका, कर ली कॉपी। अब देखो इसको क्वेश्चन क्या पूछेगा आपको बता रहा हूँ। देखो आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा, देखना। आपको बोलेगा कि आपके पास 0.1 मोलर सॉल्यूशन है कैल्शियम क्लोराइड का, आपके पास 0.1 मोलर सॉल्यूशन है आपका सोडियम क्लोराइड का, आपके पास देखो यहाँ पे 0.5 मोलर सॉल्यूशन लिया आपने सिल्वर नाइट्रेट का, और फोर ले रहा हूँ आपके पास देखो यहाँ पे 0.5 मोलर सॉल्यूशन मैंने ले लिया यहाँ पे अमोनिया का एक्वस सॉल्यूशन, दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। बार बार बोल रहा हूँ अमोनिया एक्वस सॉल्यूशन अमोनियम हाइड्रोक्साइड। आपको बोलेंगे यहाँ पे कि सल्फिटी फाइंड करो, सल्फिटी ऑफ AgCl। तो देखो रुको, ये पता है सबसे ज्यादा होगा फोर में, क्योंकि कॉम्प्लेक्स बना रहा वहां पे, क्योंकि अमोनिया के एक्वस सॉल्यूशन में तो आपका अमोनिया का जब एक्सेस आप देते हैं तो वहां तो Ag प्लस क्या होता है, AgCl क्या होता है, डिजॉल्व भी हो जाता है, तो सबसे ज्यादा सॉल्युबल तो वहीं पे होगा उसका। अगर अमोनिया के एक्वस सॉल्यूशन में इसके बाद अगर वाटर लेते तो वाटर में हो जाता, क्योंकि सब में तो कॉमन है NO4। देखो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन बोलेंगे। अब बताइए कॉमन आयन कौन है इसमें, क्लोराइड। कितना मोलर कंसंट्रेशन है, 0.1 मोलर। इसमें भी कौन था, क्लोराइड का कितना था आपका, 0.9। इसमें 0.2 मोलर होगा, क्योंकि 1 मोलर 2 मोल देता है, 2 होगा नहीं, ये क्या होगा, 0.1 मोलर होगा। इसमें कौन है, Ag प्लस, ये देगा आपका 0.5 मोलर। इसमें तो कोई कॉमन है नहीं, नहीं, लेकिन उसमें सॉल्युबल जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। अब NH3 भी बहुत बदमाश है, वो भी बोलता है कि जब तक आप सफिशियंट Ag प्लस नहीं दोगे तब तक नहीं जाएंगे। तो AgBr AgI को लाएंगे तो अमोनिया बोले ना सॉल्व है ना, सॉल्व है ना, सॉल्व है ना, सीधा बोलता है कि नहीं जाएंगे वहां पे, क्योंकि वहां पे कंसंट्रेशन क्या होगा, कौन तो वहीं पे स्टे करने बोल दी। ये देखो आपको मैं बोल रहा हूँ कि AgCl लिए, AgCl को, AgCl क्या होता है कि जब पार्शियल एनाइलेशन होता है तो वो सफिशियंट कंसंट्रेशन देते हैं Ag प्लस को, सो दैट NH3 कैन कंबाइन टू फॉर्म द स्टेबल कॉम्प्लेक्स। लेकिन AgBr AgI उतना सफिशियंट नहीं दे पाता, इसीलिए वो सब NH3 में क्या होता है, इनसॉल्युबल। सिर्फ AgCl ही सॉल्युबल होता है, AgBr AgI नहीं। तो ये देखो इसमें सल्फेटी सबसे ज्यादा किसमें हो गई, ये बताओ पहले, उसका 2, उसके बाद 1, उसके बाद क्या हो जाएगा 3, जिसमें कंसंट्रेशन ज्यादा होगा कॉमन आयन का उसमें सल्फेटी कम होगा। 3 में देखो 0.5 मोलर है, तो समझ में आया। तो जैसे AgCl का सल्फेटी पूछेगा तब कहाँ पे सबसे ज्यादा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में। कर लोगे। अब देखो अब देखो ये समझ में आया आपको, अब थोड़ा दे देते हैं ब्रेकअप, उसका बनाएंगे ग्रुप 2, क्योंकि अभी हालत खराब हो जाएगी।
सर यू आर ऑन म्यूट। सर यू आर ऑन म्यूट। आपको कि सुनिए, बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, सुनिए। देखिए, ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक अभी मैं आपको एक सिंपल आइडिया ये दे रहा हूँ कि क्वेश्चन बनाने, ताकि पकड़ लो आप। क्योंकि देखो, ये सब नहीं बताएंगे तो क्वेश्चन देखोगे तो ज्यादा टॉप मान लो कि समझ में नहीं आएगा ग्रुप, तो क्वेश्चन पकड़ने में थोड़ा टफ होगा। जैसे माइक कौन पर सेपरेट होगा, कैसे होगा, तो उसको पकड़ने के लिए थोड़ा मैं बता रहा हूँ अभी। इसका 10 टाइम ज्यादा मैं बताऊंगा आपको 12 में, क्योंकि वहां पे जेई एडवांस का भी बहुत फेवरेट टॉपिक है, ये जेई मेन का भी फेवरेट टॉपिक है, नीट का फेवरेट टॉपिक बन गया, था नहीं पहले, क्योंकि पी ब्लॉक को हटा दिया, वो शॉर्ट कर दिया, एस ब्लॉक को हटा ही दिया, हाइड्रोजन को हटा ही दिया, इसी को मेजर पार्ट इनऑर्गेनिक पर रखा। तो जब आपको वहां पे जाएंगे फाइनल, जब करेंगे इनऑर्गेनिक को, तो देखना वहां पे डी ब्लॉक जब पढ़ाना स्टार्ट करेंगे 12 में, तो वहां पे बहुत ज्यादा डिटेल में मैं बताऊंगा आपको। इसलिए ज्यादा रिसर्च अभी करना बंद करो, अभी जितना बता रहा हूँ उतना सुनो कि एजी सीएल आपका कंसेंट्रेटेड एचसीएल में भी सॉल्युबल होता है, क्योंकि अभी आपको इसका नेमिंग नहीं पता है क्या बोलेंगे इसको। मैं बोलूंगा डाइक्लोरिडो अर्जेंटेट 1, तब बोलोगे सर क्या बोल दिया आपने, अर्जेंटेट 1 बोल देंगे, तब बोलेंगे मान लो समझ में आ गया, नहीं तो बोलेंगे सर क्या बोला आपने, आई बात समझ। तो ये सब बताएंगे आपको 12 में जब पढ़ेंगे, तब इंटरेस्ट आएगा। अभी सिर्फ देखो ये सब सॉल्यूबल होता है यहाँ पे। तो अगर मान लो कहीं पे ऑप्शन में अगर कंसंट्रेटेड एचसीएल देगा, तो वहां पे एजीसीएल को आप डिजोल्व कर दो। अभी आपको वो क्वेश्चन नहीं देगा, मैं इतना श्योर हूँ। अभी जो क्वेश्चन देगा अमोनिया के रिगार्डिंग में देगा, तो वो तो पकड़ लो गया, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिस्पॉन्सिबल, लिलीचेट रिस्पॉन्सिबल। आप देखना क्या बता रहा हूँ आपको, एक चीज जो बता रहा हूँ ये देखिएगा क्या हो जाएगा। एक होता आपका ग्रुप टू, एक होता ग्रुप टू, तो इस ग्रुप टू में कौन आएगा देखना। एक होता ग्रुप फोर, ग्रुप टू फोर, ग्रुप टू में फोर में कॉमन क्या है, तो दोनों में सल्फाइड प्रेसिपिटेट होता है, इसलिए क्वेश्चन इसका बहुत देता है। तो ग्रुप टू में कौन कौन सा आता था, ग्रुप टू में दो ग्रुप है, ग्रुप वन, ग्रुप टू ए, ग्रुप टू बी, दो ग्रुप है, सब ग्रुप है उसमें। तो वो अभी नहीं बताने वाला हूँ, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मत, तीन फिन के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, ग्रुप टू में आता है। ग्रुप वन में आप ग्रुप टू का ए में देखिएगा कौन कौन होता है इसमें, तो इसमें होता है सबसे पहले याद रखिएगा कॉपर, कैडमियम 2+, और मरकरी 2+ इसी में आता है, याद रखेंगे। मर्क्यूरिक, ये मर्क्यूरिक है, वो मर्क्यूरस था, मैंने बताया था ना एजी 2+ होता है, एजी प्लस नहीं होता, तो वो था मर्क्यूरस, ये मर्क्यूरिक। तो मर्क्यूरी का था ग्रुप टू में, मर्क्यूरस आता ग्रुप वन में, आई बात समझ में। ग्रुप फोर में जब जाएंगे तो ग्रुप फोर में आता आपका मैग्नीज, जिंक आएगा इसी में, कैडमियम आएगा इसी में आपका, नहीं कैडमियम नहीं, ये कोबाल्ट, कोबाल्ट, कोबाल्ट आता है इसी में, निकेल आता है इसी में, ये सब कहाँ पता है, ग्रुप फोर में। अब क्या होता है आपका, इसका ग्रुप रिएजेंट होता है, ये H2S देते हम लोग एसिडिक मीडियम में, एस फिर कहाँ पे दिए हम लोग, ग्रुप रिएजेंट क्या है यहाँ पे, इसीलिए क्वेश्चन में देखना H2S सब देगा, कहाँ पे दिया हम लोग, एसिडिक मीडियम, ये देगा आपका कॉपर सल्फाइड का प्रेसिपिटेशन, कैडमियम सल्फाइड भी होगा, कॉपर सल्फाइड भी होगा, AgS भी हो, सब प्रेसिपिटेट करेगा। इसमें जो ग्रुप रिएजेंट होता है, देखो ये क्या होता है, H2S देते हम लोग बेसिक मीडियम में, इसमें देते हैं H2S, बताइए, बेसिक मीडियम में, ये होता ग्रुप रिएजेंट्स, ये ग्रुप रिएजेंट होता है, इसमें क्या होता है आपका जेडएनएस का प्रेसिपिटेट तो सब होगा, जेडएनएस होगा या एमएनएस भी हो सकता है आपका, या क्या हो सकता है, कोबाल्ट सल्फाइड भी हो सकता है, वो डिपेंड कंडीशन होता है, अभी आपको वर्क करना है इस पे और इस पे वर्क करना है, मैगनीज भी हो जाएगा तो एमएनएस भी आ जाएगा उसी में, ये सब वर्क करना है आपको। अब देखो यहाँ पे क्या होता, देखो यहाँ पे एक चीज देखता हूँ,
केएसपी जो होता है कॉपर सल्फाइड का, वो लेस होता है कंपेयर टू केएसपी ऑफ जिंक सल्फाइड। आप बताइए दोनों का केएसपी का एक्सप्रेशन तो सेम आएगा ना। देखो कॉपर सल्फाइड का केएसपी लिखेंगे तो केएसपी इक्वल टू एस स्क्वायर, और ZnS का भी केएसपी लिखेंगे तो केएसपी इक्वल टू क्या होगा, एस स्क्वायर। तो दोनों में देखो वहां पे एक्सप्रेशन में आपका केएसपी का एक्सप्रेशन सेम आएगा, ये तो पता चला। अब केएसपी किसका ज्यादा है, तो सॉल्युबिलिटी किसका ज्यादा होगा। दैट इज सॉल्युबिलिटी किसका ज्यादा। अब एक काम करो, आपके पास सॉल्यूशन में जेड एन टू प्लस भी है, कॉपर टू प्लस एक ही सॉल्यूशन में, आप एस टू एस वहां पे ग्रुप रिएजेंट देंगे ताकि एस टू एस क्या देगा, सल्फाइड देगा, सल्फाइड के थ्रू प्रेसिपिटेट होगा किसका, जेड एन एस का, सी यू एस का। आप बताइए जेड एन एस को प्रेसिपिटेट करने के लिए क्या चाहिए, हाई कंसेंट्रेशन, जेड जेड कॉपर टू प्लस को प्रेसिपिटेट करने के लिए क्या चाहिए, लो कंसेंट्रेशन। तो देखो दैट इज लो कंसेंट, देखो हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयंस विल बी रिक्वायर्ड फॉर द प्रेसिपिटेशन ऑफ किसके लिए, रिक्वायर्ड फॉर द प्रेसिपिटेशन ऑफ जेड एन एस कंपेयर टू सी यू एस, ये पता चला आपका। आप बताइए आपने ग्रुप टू में अपने एस टू एस किस में पास किया था, एसिडिक या बेसिक मीडियम में, मेरे इसको पकड़ना। अभी मैं थ्योरी बता रहा हूँ, नीट का तो बच्चे को यहीं से हो जाता है थ्योरी से, जो एडवांस वो डेप्थ में क्वेश्चन पूछता है कैलकुलेशन इक्विलिब्रियम में, बताएंगे आपको सूत्र पकड़ना क्या होता है। ये 2s+ होगा और ये H2S सल्फाइड होगा, सल्फाइड का सोर्स तो यही है ना प्रेसिपिटेशन के लिए, लेकिन सल्फाइड आपने किस में देखा, एसिडिक मीडियम में दे दिया, तो बेटा बताओ क्या हो जाएगा, HCl आएगा कि नहीं वहां से, एसिडिक मीडियम में जैसे देंगे तो H+ आएगा यहाँ पे, तो क्लोराइड होगा यहाँ पे, कॉमन एन इफेक्ट आ रहा है। बताइए तो कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन सल्फाइड क्या होगा, डिक्रीज होगा। डैश इंश्योर द प्रेसिपिटेशन ऑफ ग्रुप टू सल्फाइड, वो इंश्योर किया किसका, किसका प्रेसिपिटेशन के लिए हेल्प कर दिया वो, क्योंकि ग्रुप टू के सल्फाइड को प्रेसिपिटेशन के लिए क्या चाहिए, सल्फाइड का लो कंसंट्रेशन या कंसंट्रेशन लो। आपने H2S कहाँ पे पास किया, एसिडिक मीडियम में, थ्रू द कॉमन एन इफेक्ट आपने H2S का आयनाइजेशन को क्या किया, सप्रेस कर दिया, दैट इंश्योर द प्रेसिपिटेशन ऑफ ग्रुप टू नॉट ग्रुप फोर। मैंने क्या बोला आपको, रुको अभी ये समझ में आया आपको, पहले लिखा आपने, लिख कॉपी किया आपने, देखो आप जो बताने जा रहा हूँ सुनो, देखो यहाँ पे क्या बताने जा रहा हूँ, ये देखना कि जैसे आपने H2S को डिसोसिएट किया था, ये किस में जाता है 2S+, और प्लस क्या होता है सल्फाइड, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, डिसोसिएट करेगा भी पार्शियली किस में, NH4+, और क्या हो जाएगा OH-, बताइए खुद से, ये और ये कंबाइन कर देगा कि नहीं, क्या बना देगा, वाटर। इक्विलियम किधर जाएगा, फॉरवर्ड। सल्फाइड कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बताइए सल्फाइड कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा, दैट इंश्योर द प्रेसिपिटेशन ऑफ
ग्रुप फोर सल्फाइड्स। अब देखो ये लिखने का पर्पस क्या, सुनो अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो देखो लिखना बंद करो, सुनो मैं फिर से समझा रहा हूँ, देखो देखो सुनो, ग्रुप टू ग्रुप फोर में दोनों तो सल्फाइड के फॉर्म में आए, दोनों को प्रेसिपिटेट करने के लिए सल्फाइड चाहिए। मैंने यहाँ पे केएसपी से सजेस्ट कर लिया कि ग्रुप टू को प्रेसिपिटेट करने के लिए लो कंसेंट्रेशन चाहिए, ग्रुप फोर को प्रेसिपिटेट करने के लिए हाई कंसेंट्रेशन चाहिए। आई बात समझ में? सुनो अगर मान लो कि ग्रुप फोर ग्रुप टू है तो हाई प्रेसिपिटेशन किस में चाहिए आपका? ग्रुप फोर को प्रेसिपिटेट करने के लिए, ग्रुप टू को प्रेसिपिटेट करने के लिए चाहिए लो कंसेंट्रेशन। आप क्या करेंगे, H2S तो दोनों का ग्रुप रिएजेंट है, दोनों में H2S ही पास कर रहे हो, तो मैंने जहाँ पे लो कंसेंट्रेशन था वहां पे H2S को पास कर रही है एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में थ्रू द कॉमन एन इफेक्ट मैंने H2S का डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को क्या किया, सप्रेस कर दिया। सप्रेस करने से आपका क्या हो जाएगा, खुद से बताइए, सल्फाइड कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा, दैट इंश्योर द प्रेसिपिटेशन ऑफ ग्रुप टू। अगर आपने H2S बेसिक मीडियम में पास करेंगे तो यहाँ पे देखो यहाँ पे कॉमन आयन तो होगा नहीं, OH माइनस फैसिलिटेट द आयनाइजेशन ऑफ H2S, तो डेफिनेटली वहां पे सल्फाइड का कंसेंट्रेशन क्या मिलेगा आपको, हाई, दैट इंश्योर द प्रेसिपिटेशन ऑफ ग्रुप फोर। इसका आप क्या होगा बोलोगे, आप सर ऐसे क्यों करेंगे, तो मान लो एक सॉल्यूशन है आपके पास, सॉल्यूशन में मैं बोल रहा हूँ कि देखो ना यहाँ पे Zn2+ और Cu2+ है, मैं बोलूंगा यह तो Zn2+ है, यह तो Cu2+ है, मैंने बोल दिया कि इसमें देखो ना इसमें यह तो Zn2+ है Cu2+ है, कोई दोनों में से एक है। आप ये सुनो मैं बोल रहा हूँ कि ये सॉल्यूशन है, इसमें मैं बोल रहा हूँ कि देखो ना यह तो Zn2+ है, यह तो Cu2+ है, दोनों में से कोई एक है। मैं ये नहीं इंश्योर कर रहा हूँ कि Cu2+ ही है, मतलब देखो ना एक सॉल्यूशन है इसमें Zn2+ भी है Cu2+ है, मेरे को प्रेसिपिटेट का आइडेंटिफाई करना है, कैसे करूँ मैं? आप लोग सुनो, आप क्या करो H2S को बेस आप क्या कर दो एसिडिक मीडियम में, तो अगर आपका ब्लैक प्रेसिपिटेट आया तो कॉपर ही होगा, जिंक नहीं होगा, जिंक का व्हाइट प्रेसिपिटेट होता, जिंक नहीं होगा वो। अगर आपने H2S को एसिडिक मीडियम में दिया उस प्रेसिपिटेट ही नहीं होगा, इसका मतलब होगा कि ग्रुप टू का तो ही कॉपर नहीं है। आप देखते हैं कि Zn2+ है कि नहीं, इसको इंश्योर करने के लिए, क्योंकि Zn2+ है इसको इंश्योर करने के लिए फिर H2S को मैंने बेसिक में पास किया, तो बेसिक में मेरे को चाहिए सल्फाइड कंसेंट्रेशन ज्यादा, क्योंकि मैंने पहले बता दिया प्रेसिपिटेशन तभी होगा जब KSP आयनिक प्रोडक्ट से क्या होगा, लेस होगा, आयनिक प्रोडक्ट विल बी ग्रेटर देन KSP। तो आप जब H2S देंगे तो सल्फाइड ग्रेजुअली क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, और बेसिक मीडियम देंगे तो सल्फाइड क्या होगा, बहुत हाई हो जाएगा, तो डेफिनेटली वो इंश्योर कर देगा ग्रुप फोर का। अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट आ गया तो हम लोग इंश्योर हो गए वहां पे क्या है Zn2+ है। तो ये थ्योरी होता है जहां से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं ग्रुप फोर और ग्रुप टू को। अगर आपको इंश्योर करने ग्रुप टू के लिए एनालिसिस करना है तो H2S पास करेंगे किस हम लोग एसिडिक मीडियम में, अगर नहीं आपको ग्रुप फोर के लिए करना है तो आपको H2S पास करेंगे बेसिक मीडियम में। आई बात समझ में? अब देखो वहां पे जो ऑप्शन मैंने जो क्वेश्चन बनाया था, देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन था आपका, ये जो क्वेश्चन था, ये जो क्वेश्चन मैंने बनवाया था आपसे, इसमें देखो बिस्मत सिल्वर कॉपर ये सब तो ग्रुप टू में आ जाएगा, अब मैग्नीशियम ग्रुप फोर का, तो जितना सल्फाइड होगा ग्रुप टू का ग्रुप फोर का तो ज्यादा सॉल्युबल होगा, क्योंकि KSP मैंने पहले ही बोल दिया कि KSP जो होता है KSP ऑफ ग्रुप टू, ये टू का जो होता है KSP वो ऑलवेज लेस देन द KSP ऑफ ग्रुप फोर सल्फाइड। ये किसके लिख रहा हूँ, फॉर सल्फाइड्स, तो बताइए किसका सल्फाइड ज्यादा सॉल्युबल होगा, ग्रुप फोर का। तो आप सॉल्युबिलिटी जब कंपेयर करेंगे तो बताइए ये सभी क्वेश्चन आपको मिलेगा, आकाश का एलियन का मटेरियल बना होगा, सब क्वेश्चन मिलेगा आपको, तो सॉल्युबिलिटी आप बोलेंगे क्या, देखो सॉल्युबिलिटी बोलेंगे आप MnS का ज्यादा होगा कम कम, ये देखो ZnS का ज्यादा होगा कॉपर सल्फाइड से, बताओ Zn(S) कहाँ पे और कॉपर सल्फाइड कहाँ पे, और उसके बाद होगा सोडियम सल्फाइड, नहीं नहीं सोडियम सल्फाइड नहीं, तो ये होगा। अगर मान लो कि आपको कहीं पे सोडियम सल्फाइड या अल्कलाइन मेटल है और ये Zn(S) आपका होगा डी ब्लॉक,
और थ्री दे दिया आपको, मान लो कॉपर सल्फाइड दे दिया, ये कॉपर सल्फाइड दे दिया थ्री, ये पता है ये सब क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है ये सब, लेस सॉल्युबल, और ये क्या होता है सॉल्युबल होता है वाटर में, तो सॉल्युबिलिटी किसका ज्यादा होगा, वन ग्रेटर देन टू, टू ग्रेटर देन थ्री, मैंने टू एंड थ्री में डिस्टिंग्विश किया ग्रुप से, अल्कली मेटल अल्कलाइन मेटल के सल्फाइड होते हैं सॉल्युबल, रिमेनिंग ऑल सल्फाइड इनसॉल्युबल, अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल के सल्फाइड होते सॉल्युबल, रिमेनिंग ऑल सल्फाइड्स आर इनसॉल्युबल। तो देखो सोडियम सल्फाइड कहाँ आ गया, ग्रुप वन का आ गया, वो अल्कलाइन अर्थ मेटल है, अल्कली मेटल है, तो अल्कली मेटल तो मैं बोलो सॉल्युबल होता है, ग्रुप वन ग्रुप टू जो यहाँ पे दे रहा हो तो सॉल्ट एनालिसिस का पार्ट है, वो तो अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप वन नहीं दिखा रहा है, ये अल्कली मेटल तो नहीं दिखा रहा है, अल्कली मेटल ग्रुप वन होता है प्रिडिक्टेबल में, अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होता है ग्रुप टू, ये ग्रुप वन ग्रुप टू नहीं लेंगे, वो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का था, तो ग्रुप वन और ग्रुप टू मतलब अल्कली मेटल सल्फाइड और अल्कलाइन, अल्कली मेटल सल्फाइड अल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फाइड आर सॉल्युबल, रिमेनिंग ऑल सल्फाइड आर इनसॉल्युबल, याद रखोगे। जितना भी सल्फाइड लेते जाए, आयरन का जाइए, लेड का जाइए, सब इनसॉल्युबल, कहीं भी आप देखेंगे सब केस भी वर्क करेंगे, लेकिन ग्रुप टू ये अल्कली मेटल और अल्कली मेटल क्या होता है सॉल्युबल होता है, कर लेंगे। कुछ आइडिया लगा यहाँ पे प्रेसिपिटेशन का, यही था थ्योरी ऑफ प्रेसिपिटेशन, अब लिखो थ्योरी ऑफ इंडिकेटर, देखो एक क्वेश्चन और दिखा रहा हूं उसके बाद मैं जाऊंगा थ्योरी पे, देखो एक अच्छा क्वेश्चन ये दिखाने दो, पहले क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो सिक्स जो दिया मैंने, देखो बोल रहा है यहाँ पे कि द पीएच ऑफ 1 × 10 के माइनस से 8 मोलर एसिडियल सॉल्यूशन इज 8, इनकरेक्ट है नहीं है, पीएच का भी 8 तो होगा नहीं एसिडिक सॉल्यूशन का, एसिडिक सॉल्यूशन का पीएच क्या होता है लेस देन 7, तो ये क्या होगा इनकरेक्ट या करेक्ट, इनकरेक्ट। फिर बोल रहे कंजुगेट बेस ऑफ दिस, ये तो सही है, के डब्ल्यू इंक्रीज विद द टेम्परेचर, ये भी सही है, व्हेन सॉल्यूशन ऑफ द वीक मोनोप्रोटिक एसिड इज साचुरेटेड अगेंस्ट द स्ट्रॉन्ग बेस एट द हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट पीएच इक्वल टू हाफ पीके, मोनोप्रोटिक एसिड का मतलब होता है एसिडिक एसिड जो एक प्रोटोन दे सकता है, साचुरेटेड विद द स्ट्रॉन्ग बेस मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड किसी से साचुरेट करवा रहे हैं हम लोग, बोला कि हाफ ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट पे पीएच इक्वल टू हाफ पीके, क्यों गलत होगा, तो क्या होगा बताओ, आप पीके नहीं होगा तो क्या होगा बताओ, नहीं आप पीके आएगा तो फुल पीके आएगा, क्या होगा बताइए, देखो उसी को पढ़ाने के लिए थोड़ा इंडिकेटर का कंसेप्ट आना चाहिए, ये आपका, ये आपका 2023 जेई मेन का क्वेश्चन है, आपको तो उसका चूज करेक्ट ऑप्शन दे रहा है आपको करने के लिए कि कौन कौन सा ये एबीसीडी स्टेटमेंट पे से क्वेश्चन नीट में भी आता है, तो ये तो बोल रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ बी और सी, बी ए सी क्या होगा राइट होगा, तो ऑप्शन देख ही हुआ उसमें स्टेटमेंट बोल रहा है कौन कौन से करेक्ट होगा, सुनो इसमें करने के लिए लिखो थ्योरी ऑफ इंडिकेटर, लिखो सबसे पहले इंडिकेटर होता क्या है, तो आप सबसे पहले याद रखेंगे इंडिकेटर वीक ऑर्गेनिक एसिड या बेस होता है, ऑर्गेनिक एसिड और बेस होता है ये, अभी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का इंडिकेटर नहीं होता, किसका लेंगे वीक ऑर्गेनिक एसिड और बेस लेंगे, दैट
हेल्प टू फाइंड द इक्वेलेंस या एंड पॉइंट, किसी भी टैटेशन का एक इक्वेलेंस पॉइंट होता है, एंड पॉइंट होता है, उसी को फाइंड करने हेल्प करते हैं। इक्विवेलेंस या एंड पॉइंट, थ्रू कलर चेंज, कलर चेंज करता वो अपना। ड्यूरिंग टाइट्रेशन देखो, मैंने बोला कि एक वीक ऑर्गेनिक एसिड होता है या बेस होता है, दैट हेल्प टू फाइंड द इक्वेलेंस पॉइंट या एंड पॉइंट, इक्वेलेंस या एंड पॉइंट को प्रेडिक्ट करने थ्रू कलर चेंज ड्यूरिंग टाइट्रेशन। जब आप टाइट्रेशन करेंगे तो ये कलर चेंज करता है, उसी के थ्रू लोग एंड पॉइंट फाइंड करते हैं। आपने स्कूल में एक लैब किया होगा, उसमें एक कॉनिकल फ्लास्क लिए होंगे, उसमें आपने स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड डाला होगा, याद होगा, या तो वीक एसिड डाला होगा, तो ये ब्यूरेट में आपने स्ट्रॉन्ग बेस डाला होगा, ब्यूरेट में आपने स्ट्रॉन्ग बेस डाला होगा, कॉनिकल फ्लास्क में आपका, सुनो, आप कॉनिकल फ्लास्क में आपका तो वीक एसिड था, आपने उसी में एक फेनोफ्थेलिन इंडिकेटर लिया था। जैसे आप ब्यूरेट से आप ड्रॉप वाइज क्या करते थे, स्ट्रॉन्ग बेस को डालते थे, तो आपने ग्रेजुअली रीड करते गया, तो ऐसे पिंक कलर आ गया, रेडिश पिंक होता है, तो आप क्या करते, बंद कर देते हो आप उसको देना, किसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड को, फिर टाइटर वैल्यू लेके आप सारा कैलकुलेशन करते हैं किए होंगे, तो उसी का पार्ट है ये। तो क्या होता है कि किसी भी, जब आप मान लो कि ब्यूरेट लगाओगे, सेटअप लगाएंगे, टाइट्रेशन करने जाएंगे, टाइट्रेशन का एक टारगेट क्या होता है कि टाइट्रेशन का एक टारगेट क्या, सुनो, टाइट्रेशन का एक टारगेट होता है कि आपको क्या करना है कि एक अननोन सोल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन फाइंड करना। तो जो अननोन सोल्यूशन होता है उसको हमेशा ब्यूरेट में नहीं देते हम लोग, किसमें देते हैं हम लोग, फ्लास्क में देते हैं। और अब एक क्या लेते हैं हम लोग, ब्यूरेट में लेते हैं। आपने पाइपेट देखा होगा, स्पेचुला देखा होगा, कितना होगा, लेके सीधा आपने पी भी लिया होगा, नहीं पियोगे तो पी लोगे, कभी थोड़ा पी ही लोगे, चला ही जाता वो, नहीं कुछ नहीं होगा, डायलूट रहता है ना, कुछ नहीं होता वो, इसीलिए टीचर छोड़ देता आपको, फ्रीली करो, अगर ऐसा होता तो टीचर हमेशा रहेगा। कर लेंगे ये, तो इक्वेलेंस पॉइंट इन पॉइंट होता है ये सब। तो सुनो, तो कलर जो ट्रांजिशन होना चाहिए, कलर जो चेंज होना चाहिए, वो इंड पॉइंट पे होता है, तभी आप इंड पॉइंट को फाइंड करते हैं, नहीं तो इंड पॉइंट को फाइंड नहीं कर पाएंगे आप। कोई गॉड नहीं कि इंड पॉइंट आप देख के फाइंड कर लोगे, आई बात समझ। तो देखो क्या होता है यहाँ पे, इंडिकेटर का थ्योरी किया मैंने, बोला वीक एसिड वीक बेस होता था, लेट कर लो कि ये HIN लिया मैंने इंडिकेटर, ये वीक एसिड मैंने लिया HIN, ये वीक एसिड क्या करेगा, आयनाइज करेगा तो किस में जाएगा, आयन माइनस में जाएगा, और किस में जाएगा, एच प्लस में जाएगा, इसका कलर वन ले लेंगे ये। जब अनआयनाइज फॉर्म में था तो इसका कलर क्या लिया मैंने, वन, और जब आयनाइज हो गया तो इसका कलर मैंने क्या लिया, टू, दो कलर हो गया, कलर वन और कलर टू, या कलर ए ले लेंगे तो एक का कलर क्या लेंगे, बी। जैसे क्या होता है कि आप मान लो क्या, देखो आप थोड़ा सोचो कि यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, एसिडिक नेचर ले रहा हूँ या बेसिक नेचर ले रहा हूँ इंडिकेटर का। आप एच प्लस अगर दोगे तो आप एसिडिक नेचर ले रहे हो। आप थोड़ा सोचो, लॉजिकली सोचो कि आपको ये कलर दिखने के लिए आपको तो क्या करना पड़ेगा, इसको बहुत ज्यादा अमाउंट को आयनाइज करना पड़ेगा। आप इसको, आपको ये कलर लाने के लिए तो इसको इसमें कन्वर्ट होना पड़ेगा। अब वो तभी कन्वर्ट होगा जब इसको लेके भागोगे आप, इसको लेके भागेगा कौन, बेस, इसीलिए बेस में जाके वो कलर दिखाता है फेनोफ्थेलिन, क्योंकि फेनोफ्थेलिन काम कब करेगा, जब बेसिक सॉल्यूशन होगा, एसिडिक सॉल्यूशन फेनोफ्थेलिन कलर ही नहीं दिखाएगा, क्योंकि एसिडिक मीडियम में तो कॉमन एंड फैक्टर के इक्विलियम को बैकवर्ड करोगे, तो ये तो फिर कलरलेस होता है फेनोफ्थेलिन। तो कलर क्या होता है, कलर वन रहेगा, तो कलर वन तो कलरलेस है उसका। तो कलर चेंज कब होगा, जब आप सफिशियंट अमाउंट ऑफ कंजुगेट बेस को बनाओगे। तो ये मैंने क्या किया, एसिडिक इंडिकेटर पे वर्क कर रहा हूँ, एसी पे वर्क कर रहा हूँ, कौन सा इंडिकेटर लिया, एसिडिक। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इंडिकेटर कांस्टेंट होता है, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट होता है ना एसिड का, वैसे इंडिकेटर कांस्टेंट होगा। आप क्या करेंगे, देखना यहाँ पे आयन माइनस होगा ये, और एच प्लस लेंगे, अपॉन क्या कर देंगे, एच आयन कर दोगे। अब सुनो, एच प्लस इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, के इंडिकेटर कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन,
अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ क्या लेंगे, आई एन माइनस, ये इक्वेशन वन लिए, माइनस लॉग ऑन द बोथ साइड्स, दोनों साइड आप लॉग ले लो, क्या हो जाएगा खुद से देखो, माइनस लॉग एच प्लस, माइनस लॉग पी इंडिकेटर जो होता है आपका के इंडिकेटर, अब प्लस लॉग आई एन माइनस अपॉन एच आई एन कर देंगे हम लोग। आप बताइए इसमें आपका फॉर्मूला क्या आएगा, देखो सुनो फॉर्मूला क्या आएगा, सुनिए इसमें पी एच पी के इंडिकेटर प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ कंजुगेट बेस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एच आई एन। अब देखो ये इक्वेशन मैंने लिया टू, इक्वेशन टू से थोड़ा वर्क करेंगे देखने क्या होता। ये इक्वेशन टू लिए, इस पे देखने क्या वर्क करेंगे। अब कलर कैसे चेंज होता है देखो, यहाँ पे कलर कैसे चेंज होता है, पीएच पे कैसे डिपेंड होता है वो दिखाने जा रहा हूँ आपको, थोड़ा कंसंट्रेट होकर सुनना। नीट में एक बार क्वेश्चन पूछा था ये, इसका एक्सप्रेशन पूछा था, देखो दो कंडीशन दूंगा, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ आयन माइनस अपॉन एच आई एन, मैंने ले लिया यहाँ पे 1/10, मतलब किसका कंसंट्रेशन ज्यादा ले रहे हैं, डिसोसिएटेड फॉर्म का ज्यादा लेने की अनायनाइज फॉर्म का ज्यादा ले रहे हैं। दैट इज आप बोल रहे हो ये कि एच आई एन का जो कंसंट्रेशन होगा दैट शुड बी 10 times ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ कंजुगेट बेस, मतलब मैंने कंडीशन वो फिट किया जहां पे एसिड आपका आयनाइजेशन जो होगा डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बहुत लो रखा मैंने। अब बताइए इसमें क्या करेंगे, पीएच फाइंड करेंगे, तो पीएच जो होगा वो पीके इंडिकेटर माइनस वन, माइनस वन लिए, यहाँ पे थोड़ा स्पेस मैं रख रहा हूँ, थोड़ा स्पेस करके आगे कुछ लिखूंगा वहां पे इसलिए छोड़ रहा हूँ। देखो परसेंटेज ऑफ आयनाइजेशन मैं देखूंगा कितना आयनाइजेशन होगा, तो परसेंटेज ऑफ आयनाइजेशन होगा वो आयन माइनस का कंसंट्रेशन, ये क्या है कितना गया वही दिखाएगा ना, कितना था वो तो आ जाएगा दोनों का, ये तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है। आप जब लिखोगे यहाँ पे देखो, आप लिखोगे जब यहाँ पे रुकना रुकना एक चीज, मैं सी लूंगा तो जीरो जीरो, सी माइनस एक्स लूंगा और एक्स एक्स लेंगे तो सी माइनस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू सी होगा ना, है बात समझ में। आप जब लेंगे यहाँ पे सी लेंगे तो इसका जीरो जीरो, इसका सी माइनस क्या लेंगे एक्स, ये सी माइनस क्या लेंगे एक्स, देखो फिर से बता रहा हूँ, ये जब लेंगे आप तो यहाँ पे इसका लेंगे सी तो इसका जीरो जीरो, इसका सी माइनस एक्स लेंगे तो एक्स ये एक्स होगा, ये जो एक्स होगा वो क्या होगा चला गया, और जो सी था वो पाले का था तो ये सी इक्वल टू क्या होगा सी माइनस एक्स प्लस एक्स होगा, नहीं है आई बात समझ में, मतलब कि आयनाइज एसिड प्लस आयनाइज एसिड को ऐड करोगे तो इनिशियल कंसंट्रेशन मिलेगा आपको। तो देखो तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि इसको जैसे एनालाइज कर दिया, ये 100 कर दिए, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1/11 हो जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा 100, ये अप्रोक्सीमेटली 9.1% एनालाइज होगा, 9.01 होगा, राउंड ऑफ करेंगे तो 9.1 के करीब जाएगा। इसका मतलब क्या लगता है आपको, कितना परसेंट एनालाइज किया आपने, मतलब 90% वो अनआयनाइज फॉर्म में, इसीलिए यहाँ पे कलर ए डोमिनेंट होगा।
ए डोमिनेंट होगा, क्योंकि ज्यादा तो एनएच के नहीं, आपको ज्यादा किसका मॉलिक्यूल मिलेगा, एच आई एन ए का, कंजुगेट बेस का तो मॉलिक्यूल ज्यादा मिलेगा नहीं आपको, जो कलर आप देखेंगे, जिसका जिसका ज्यादा पॉपुलेशन उसका कलर, सिंपल थ्योरी होता है, जिसका ज्यादा नंबर ऑफ सीट उसका सरकार होता है कि नहीं, तो वही तो, जिसका ज्यादा पॉपुलेशन उसका रूल, तो वही तो है। तो देखो यहाँ पे सुनो, आप क्या होगा कि आपको अगर कलर ए को डोमिनेंट रखना है तो उसको आपको इससे लेस आयनाइज करना है, मतलब ये जो देख रहे हो ये जो पीएच है ये मिनिमम पीएच आपका है, मिनिमम पीएच है ये सॉरी ये मैक्सिमम पीएच है ये। क्यों बोलेंगे मैक्सिमम पीएच? क्योंकि इस पीएच के अगर नीचे रहेंगे तो आपको कलर ए दिखेगा, क्योंकि इस पीएच के ऊपर जाएंगे तब कलर बी की तरफ जाएंगे हम। मैंने यहाँ पे देखो इस पीएच पे मैंने तो 90% 9% सिर्फ आयनाइज करके रखा, पीएच अगर इससे नीचे जाएंगे तो और भी कम आयनाइजेशन होगा। अरे पीएच नीचे जाएंगे मतलब क्या हो जाएगा, एच प्लस का कंसंट्रेशन ना बढ़ा रहे हो, एच प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम किधर हो जाएगा, बैकवर्ड ही तो जाएगा आपको। तो ये पीएच क्या दिखा रहा है, मैक्सिमम पीएच दिखा रहा है कि मिनिमम पीएच? दिस इज द मैक्सिमम पीएच टू शो द कलर, मैक्सिमम पीएच टू शो द कलर वन। आई बात समझ में? तो आप यहाँ पे बोलोगे तो यहाँ पे बोलेंगे ये पीएच जो होगा ये पीएच शुड बी, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, पीएच शुड बी ग्रेटर देन मैक्सिमम है ना, ये लेस देन पीके इंडिकेटर, मैक्सिमम पीएच है ना ये पीके इंडिकेटर, तो प्रीडोमिनेंट कलर वन इन सॉल्यूशन। तो जब आप टाइट्रेशन कर तो आपका फेनोफ्थेलिन कहाँ पे वर्क करता है, बेसिक में करता है कि नहीं कलर चेंज? मतलब कि इस पीएच ये क्या होगा, मैक्सिमम पीएच है कि मिनिमम पीएच है? इससे पीएच इक्वल चाहिए इससे लेस चाहिए टू प्रिडिक्ट द कलर ऑफ वन? मतलब आपको ये पता चला कि इस कलर में इसके नीचे अगर पीएच रखेंगे, पीके इंडिकेटर मान लो फोर है, पीके इंडिकेटर फोर है तो फोर माइनस थ्री, थ्री या थ्री से नीचे आएंगे तो आपको कलर दिखेगा वन, कलर चेंज होने का चांस है वहां पे, क्योंकि डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बढ़ जाएगा ना वहां पे। नहीं देखो वो भी बताएंगे, वो बताएंगे, ये समझ में आया आपको? अब देखो व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ आयन माइनस अपॉन एच आयन, ये आपका हो गया 10:1, कौन है ज्यादा? ये जो पीएच फाइंड करेंगे वो क्या होगा, पीके इंडिकेटर प्लस वन, ये मिनिमम पीएच है। कलर उसके ऊपर जाएंगे तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बढ़ जाएगा ना, वो बता रहा हूँ भाई, इससे बताएगा ना, रुको ना बता रहा हूँ, ये परसेंटेज ऑफ आयनाइजेशन बताइए, देखना है यहाँ पे परसेंटेज ऑफ आयनाइजेशन देंगे तो आयन माइनस अपॉन क्या करेंगे, एच आयन प्लस आयन माइनस इंटू क्या करेंगे 100। बेटा बताओ क्या हो जाएगा, 10/11 × 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 91% के करीब। अब ये बताओ मतलब कि इस ये जो पीएच है ना, ये पीएच इस पीएच पे एसिड कितना परसेंट आयनाइज हो गया, तो किसका ज्यादा पॉपुलेशन मिलेगा, कंजुगेट बेस का, तो वहां पे कलर टू डोमिनेंट, कलर बी डोमिनेंट होगा। तो कलर बी डोमिनेंट के लिए ये जो पीएच देख रहे हो ये मिनिमम पीएच है, ऊपर जाना पड़ेगा, इतना पे आना पड़ेगा मिनिमम। देखो ये मैक्सिमम पीएच था, मतलब कि इतना पीएच अगर मेंटेन करेंगे तो आपको पता है कि कलर ए डोमिनेंट है, इसके ऊपर जाएंगे, इसके ऊपर जाएंगे, जैसे पीएच ऊपर चल जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, एक ही बार में कलर बी मिलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये मिनिमम पीएच है कलर बी के लिए, ये मैक्सिमम पीएच है
ये मैक्सिमम पीएच है, इसके मिनिमम पे जाओगे तो क्या हो जाएगा, कलर वन रहेगा। ये यहाँ पे मिनिमम पीएच है टू शो द कलर टू, कलर बी मतलब नहीं, इसके ऊपर ही रहना पड़ेगा, कितना ये इसके ऊपर, इसलिए फेनोफ्थेलिन जब कलर दिखाता तो 8.1 के बाद से दिखाना स्टार्ट कर देता है वो। 10 में जाओ तभी भी दिखाएगा, 12 में जाओ तभी भी दिखाएगा, तभी भी दिखाएगा, लेकिन 8 से नीचे रहेगा तो वो नहीं दिखाएगा, क्योंकि उसके लिए वो मैक्सिमम नहीं होता, मिनिमम पीएच होता है वो। आई बात समझ में? तो देखो क्या होता है, ये पीएच क्या हो जाएगा, मिनिमम या मैक्सिमम, ये मिनिमम है ना, ये मैक्सिमम, ये मिनिमम है, तो मिनिमम क्या क्या सहन देंगे बताइए। नहीं नहीं, पीएस ग्रेटर होगा, ग्रेटर ये इक्वल होना चाहिए ना, पी के एन डी के, नहीं इक्वल होगा तो आपका वो कलर वन ही, कलर बी डोमिनेंट होगा, मिनिमम तो उतना बोल ही रहा होगा चाहिए, 90+1 था ये, -1 है ये, दोनों डिफरेंट है, देखो ना अभी। अब ये बताइए आप, ये पीएच होगा मैक्सिमम पीएच या मिनिमम पीएच, प्रीडोमिनेंट कलर बी इन द सॉल्यूशन, मतलब कि मैक्सिमम बोला, इसका मतलब क्या होगा ये? नहीं, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम होगा, नहीं ये मिनिमम होगा, ये मिनिमम होगा, ये हाँ मिनिमम होगा, ये होगा आपका मिनिमम पीएच, तो प्रिवेलेंट द कलर बी, मतलब कि देखो इतना पीएच अगर मेंटेन करके रखोगे तो कलर बी तो आ जाएगा, इसके ऊपर भी जाएंगे तो कलर बी ही आएगा, कलर ए नहीं। आपने यहाँ पे देखो इस पे आप इसके इक्वल रखा, मतलब आपने कितना परसेंट आना है इसका, 95-96 भी आएगा तो क्या हो जाएगा, पीएच तो और भी ऊपर चला जाएगा। नीचे जाएंगे आई बात समझ में? देखो चेंज इन पीएच अगर जाएंगे, फॉर कलर ट्रांजिशन, चेंज इन पीएच फॉर द कलर ट्रांजिशन जाएंगे, देखो पी के इंडिकेटर, मिनिमम पीएच कितना था, मैक्सिमम कितना था, ये मैक्सिमम, मिनिमम कितना था। अब दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, मतलब मिनिमम चेंज इन ट्रांजिशन पीएच होना चाहिए टू, तभी आपका पीएच कलर चेंज होगा। देखो ना वहां पे मिनिमम मैक्सिमम था, उसी का डिफरेंस लेके मैंने बना दिया। तो किसी भी इंडिकेटर में देखोगे ना तो मिनिमम चेंज इन पीएच कितना होना चाहिए टू। अब क्या होता है कि बी के सीट बी बेस का जब ट्रैक्टेशन कराते थे कभी ऐसा कंडीशन ही नहीं था कि पीएच टू से चेंज होगा, इसलिए कोई इंडिकेटर होता ही नहीं। जब बी के सीट बी बेस का ट्रैक्टेशन करेंगे तो कोई भी कंडीशन आपको पीएच टू से चेंज होगा ही नहीं, किसी भी पॉइंट पे, तो वहां पे कोई इंडिकेटर आता ही नहीं। कुछ आइडिया लगा यहाँ पे, कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, एक बताते हैं ट्रैक्ट्रेशन दिखाते हैं, ट्रैक्ट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस, किसका ट्रैक्ट्रेशन कर रहे हैं हम लोग, अच्छा तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, तो मान लो कि आपके पास सॉल्यूशन है, देखो आपने जब लैब में किया होगा कुछ ऐसा ही सॉल्यूशन होगा आपका, एक कॉनिकल फ्लास्क होगा ऐसा दिया होगा टीचर ने, फिर उसमें आपने ब्यूरेट लिया होगा, ऐसे रहता ना ब्यूरेट रहता आपका, ब्यूरेट क्लैंप रहता है, स्टैंड रहता है, सब रहता आपका, ब्यूरेट यहाँ पे लगा रहता है आपका, देखो इधर से आप ब्यूरेट को ऐसे स्टैंड रहता रहता है कि नहीं आपका, तो आप देखोगे यहाँ पे कि ये सॉल्यूशन रहता है, यहाँ पे सॉल्यूशन के लिए देखो
यहाँ पे सॉल्यूशन है आपका सोड HCl का एक सॉल्यूशन। मान लो कि 25 ml ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन लिए, और यहाँ पे जो सॉल्यूशन है आपका ये सॉल्यूशन, ये लेट कर लो कि आपका सॉल्यूशन है 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। किसको ऐड करो बेटा? हाँ नहीं, किसको ऐड करो? बेस को एसिड में। आप तो स्टडी करोगे पीएच एसिड का। 0.1 मोलर अगर HCl होगा तो पीएच कितना होगा? 1। अब जब उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड देंगे तो एट ए टाइम तो आपको क्या हो जाएगा, आप तो ड्रॉप वाइज देते हैं, एट ए टाइम तो पूरा का पूरा न्यूट्रलाइज नहीं कर दोगे। एट ए टाइम जब पूरा का पूरा न्यूट्रलाइज नहीं करोगे तो रूल किसका चलेगा? HCl का ही चलेगा। तो पीएच आपका 1 से 2 के बीच में ही रहेगा, ज्यादा डिप चेंज होने वाला नहीं है। लेकिन जैसे ही इक्वेलेंस पॉइंट आएगा तो फिर क्या होगा, सडनली 7 चला जाएगा, क्योंकि इक्वेलेंट पॉइंट पे क्या होगा, जितना मिली इक्वेलेंट आप एसिड के उतना मिली इक्वेलेंट बेस होगा। तो सॉल्ट किसका बना? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट बना। तो पीएच मैंने बोला 7, सडनली चेंज होगा, स्टिपली चेंज होता है हमेशा इक्वेलेंस पॉइंट पे। जो स्टिपर चेंज होगा पीएच, वो इक्वेलेंस पॉइंट पे ही होता है, बिफोर इक्वेलेंस पॉइंट कभी ज्यादा चेंज नहीं होता। स्लोली जो मूव कर रहा है वो इक्वेलेंस पॉइंट पे नहीं होता, वो बिफोर इक्वेलेंस पॉइंट होता है। इक्वेलेंस पॉइंट जैसे आता है एक बार जंप मार देता ऊपर। कलरलेस होता है कि नहीं, आप देखना कि उसी पॉइंट पे, एक पॉइंट पे जाके आपका जंप करेगा। अगर मान लो कि अगर आपने 25 ml HCl लेके रखा, अगर आपने वहां पे 20 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड 0.1 मोलर देंगे तो आपका कलर नहीं आएगा फिनोफ्थेलिन का। 25 ml पे जैसे ही टच कर लिए और उससे थोड़ा एक्सीड कर देंगे, मान लो 25.1 दे दिए, तो पिंक कलर आ जाएगा आपका। आई बात समझ में? जैसे जैसे जाएंगे तो उसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बढ़ते जाएगा, तो उसका इंटेंसिटी बढ़ते जाएगा। तो वही तो, और एसिडिक मीडियम ही ना, तो पीएच क्या होगा? 2-3 के बाद से एक ही बार मारेगा जंप आपका कहाँ पे? 7 पे। तो देखो मैं बता रहा हूँ कैसे होगा, देखना। देखो बिफोर इक्वेलेंस पॉइंट, बिफोर इक्वेलेंस पॉइंट का मतलब क्या होता है सुनिए। एक्सेस कौन होगा? तो ऐसे पीएच जो फाइंड करोगे, माइनस लॉग लेंगे एच प्लस फ्रॉम लेफ्ट HCl, जितना बचेगा उतना से फाइंड कर लेंगे पीएच, क्योंकि HCl तो ग्रेजुअली रिएक्ट करते जाएगा ना बिफोर इक्वेलेंस पॉइंट। आपने 10 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड दे देंगे तो आपका इनिशियल कितना था? 2.5 mmol किसका था? HCl का। आपने वहां पर 10 दिए, मतलब क्या हुआ, 1 mmol किसका दे दिया आपने? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो फिर तो आपको 1.5 mmol ही बचेगा HCl। एडिशन ऑफ 10 ml, मान लो कि 10 ml मैंने दे दिया किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड दे दिए, तो बताइए तो क्या हो जाएगा? N1V1 माइनस N2V2 का कंसेप्ट बताए थे आपको। N1 किसका होगा? HCl का ज्यादा होगा कि नहीं? सोडियम हाइड्रोक्साइड ये होगा कि नहीं? HCl कितना होगा बताइए? 2.5 माइनस कितना हो जाएगा? ये 1 इक्वल टू नॉर्मेटिव मिक्सचर जाएंगे, वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा कि नहीं बताओ? 25 ml था, आपने 10 ml दिया था, कितना हो जाएगा? 35। नॉर्मेटिव मिक्सचर कितना बोलेंगे आप? 1.5 पे क्या होगा? 35 नॉर्मल। एस प्लस कंसनट्रेशन कितना बोलेंगे आप मिक्सचर में बताइए? 1.5 पे 35 मोलर ही तो बोलेंगे आप। पीएच देखो तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा हो गया 1 से। 35 लेंगे, 35 लेंगे जैसे करेंगे तब देखो कितना हो जाएगा ये। हो जाएगा आपका 1.5, अगर करेंगे ना तो 135 हो जाएगा ना, तो ये आ जाएगा आपका ये 3। ये कितना जाएगा आपका? 70 जाएगा ना ये। तो पीएच जब फाइंड करोगे तो पीएच क्या हो जाएगा? देखो माइनस लॉग क्या लेते हो आप? एच प्लस। एच प्लस लेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस लॉग
थ्री वाई क्या हो जाएगा 70, ये माइनस लॉग 3 हो जाएगा, ये माइनस 3 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस लॉग क्या हो जाएगा, 70 क्या होगा, लॉग 7 प्लस लॉग 10, लॉग 7 प्लस लॉग 10 करेंगे, लॉग 10 का वैल्यू क्या होता है 1, इसका 1.8, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 0.447 आएगा, इसका इधर से आएगा 1.8 के करीब, तो बताओ तो कहाँ ज्यादा डिफरेंस, 1.4 ही तो कह रहा था आपका, अप्रोक्सीमेटली 1.4 के करीब रहा आपका, तो कहाँ ज्यादा डिफरेंस हो, 0.6 होता। अब एक काम करो कि इतना ही के क्लोज आएगा कि नहीं, मतलब आपने कोई ड्रामेटिक चेंज तो नहीं देखने जा रहे हैं, इवन आपको क्या लगता है कि 20 ml देंगे तो बहुत ज्यादा चेंज होने वाला है, 1 से 2 की तरफ जाएगा, उससे ज्यादा चेंज होने वाला नहीं है, लेकिन जैसे आप क्या करोगे एट इक्वेलेंस पॉइंट पे जाएंगे, एट इक्वेलेंस पॉइंट पे, इक्वेलेंस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, मिली इक्वेलेंट ऑफ किसका हो जाएगा बताओ, मिली इक्वेलेंट ऑफ HCl इक्वल टू किसका हो जाएगा, मिली इक्वेलेंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेटा इक्वेलेंस पॉइंट पे जब ये दोनों इक्वेलेंट आ जाएगा तो पीएच सीधा क्या बोल दोगे आंख बंद करके, 7। देखो बढ़ गया एक बार, कहाँ 2 और 3 के बीच में थे, कहीं पे 1 से लेके 2.2 के बीच में थे, एक ही बार में आपका कहाँ चला गया 7। आफ्टर इक्वेलेंस पॉइंट किसका डोमिनेंसी आ गया, आफ्टर इक्वेलेंट पॉइंट किसका डोमिनेंसी आ गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा होगा, अब OH माइनस कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ फ्री हाइड्रोक्साइड्स या अमाउंट ऑफ फ्री बेस हो जाएगा, या ऐसे कि मोल्स ऑफ फ्री हाइड्रोक्साइड आयंस अपॉन क्या कर देंगे वॉल्यूम मिक्सर से डिवाइड कर देंगे, तो कंसंट्रेशन आ जाएगा उसका, अब वहां से पीएच फाइंड कर लेंगे, आपको क्या लगता है पीएच 7 से ज्यादा आने वाला है ना, अब स्ट्रॉन्ग वे सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे तो क्या लगता है आपको पीएच 10-12 के करीब चला जाएगा, तो क्यों नहीं जाएगा 7, आप इक्वेलेंस पॉइंट पे कुछ ड्रॉप दे देंगे तो हाइड्रोक्साइड आएगा, तो मान लो कि 0.1 मोलर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो कितना हो जाएगा पीएच 1, पीएच कितना होगा 1, पीएच होगा 13, तो कम से कम यहाँ 10-12 तो लेके जाओगे ना कम से कम, उसके बाद तो ज्यादा चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा दोगे तो क्या होगा, किसी स्ट्रांग एसिड या स्ट्रांग बेस को डायलूट करोगे तो कोई ज्यादा चेंज होने वाला नहीं है, आप तो एक ही बार 10 टाइम या 100 टाइम डायलूट नहीं कर रहे, आप तो ड्रॉप वाइज दे रहे हैं, तो कोई ज्यादा चेंज होने वाला नहीं है, इसे लेकर देख तो ऐसे जाता, फिर ऐसे करके कॉन्स्टेंट होते चला जाता, कर लेंगे तो बिफोर इक्वेलेंस पॉइंट कितना होगा पीएच, आप इमेजिन देखो यहाँ पे मैंने थ्योरी लिख दिया, इस पे थोड़ा क्वेश्चन देखे देखे, ये क्या करेंगे इधर किसका पीएच है, ये क्या जाएगा पीएच, ये वॉल्यूम किसका लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, ये ले लिया मैंने देखो यहाँ पे 2, ये क्या लिया 4, ये क्या लिया 6, ये 8, ये 10, ऐसे करके मैंने गैप, अब देखो कहाँ से चलेंगे, पहले कहाँ से चलेंगे बेटा 2 से, देखो ग्रेजुअली चेंज हो रहा है, एक ही बार में सडनली जंप मार दिया, इसका मतलब इक्वेलेंस पॉइंट पे आ गए, इक्वेलेंस फिर इधर चला जाएगा, मतलब कि ये जो पॉइंट ले रहे हो, अगर मान लो कि आपने यहाँ पे देखो यहाँ पे 10 दिया, यहाँ पे क्या दिया आपको 10, 10 वॉल्यूम लेके चले थे ना, ml लेके चले थे ना, तो मान लो कि ml में दे रहा हूँ ये, अगर ये 10 देंगे तो ये क्या होगा 20, ये क्या होगा 30, आपको तो लग रहा है ये 25 होगा, 25 पे देखो आप कनेक्ट करके, 25 पे जब कनेक्ट करके देखोगे तो एग्जैक्ट आपको 7 मिलेगा, देखो कनेक्ट करके देखोगे तो एग्जैक्ट आपको 7 मिलेगा, ये 30 ले उसको थोड़ा आगे करने दो, उसको रुको एक मिनट, इसको मैं ले लेता हूँ 10, इसको ले रहा हूँ मैं 20, इसको ले रहा हूँ मैं 30, देखो 25 पे आ रहा है एग्जैक्ट 7 पीएच यहाँ पे, अरे 25 ml देंगे तो इक्वेलेंस पॉइंट रहेगा, तो पीएच वहां पे 7 दिखाओगे ना आप,
अब उसके ऊपर चले जाएंगे तो सीधा से मारेगा, एक बार जब चला जाएगा 10 के करीब, वो 8 के आसपास रहेगा नहीं, सीधा 10 के करीब चला जाता वो। आप बताओ तो यहाँ पे कौन सा इंडिकेटर काम करेगा? फेनोफथेलिन कौन करता है यहाँ पे? फेनोफथेलिन, क्योंकि कितना चाहिए इसको? इसको चाहिए 8.1 से लेके 10, 8.3 से लेके 10 के बीच में काम करता है ये। 8 पॉइंट कहीं पे लिखता है 8.1 से लेके 10 तक में काम करता है ये कौन? फेनोफ्थेलिन। इसलिए समझ में आ गया फेनोफ्थेलिन कहाँ पे वर्क करता है, एसिडिक या बेसिक मीडियम में। अगर बिफोर इक्वेलेंस पॉइंट आपको 3-4 पे वर्क करना है तो आप यहाँ पे मेथाइल ऑरेंज ले लेंगे। क्या लेंगे आप यहाँ पे? मेथाइल ऑरेंज। मेथाइल ऑरेंज काम करता है 3.1 से लेके 4.4 तक में, मतलब कि स्ट्रॉन्ग एसिड है स्ट्रॉन्ग बेस का ट्रिटेशन लेंगे तो आप दोनों इंडिकेटर यूज कर सकते हो। अगर आप बेस में एसिड डालोगे तो फेनोफ्थेलिन, एसिड में बेस डालोगे तो मेथाइल ऑरेंज। वो वो पीएच रेंज होता है जहां से कलर ट्रांजिशन करता है। अगर 3.1 से नीचे रहेंगे आप तो मेथाइल ऑरेंज का कलर बेसिक मीडियम है ना, तो ऑरेंज होगा, येलो। ऊपर ऊपर चले जाएंगे तो फिर अपना कलर चेंज हो, कलर चेंज कर देंगे। कर लिए कॉपी कर लिए यहाँ पे। अब देखो ये किसका ट्रेटेशन था, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का। एक लास्ट पढ़ो, 2 मिनट रुके, एक लास्ट पढ़ा देते हैं और नेक्स्ट है इसको। ये दूसरा लिखो आप ट्रेटेशन ऑफ, ये छोड़ दो इसको बंद करो, नहीं नहीं पता चलेगा, बहुत टाइम लगेगा पूरा इसमें, कम से कम 10 मिनट चाहिए, 10 मिनट लगेंगे। एक काम करो नेक्स्ट डे जब आएंगे तो नेक्स्ट डे आपका कर देंगे, वो आपका संडे का जो क्लास लेंगे ना, संडे का उसी में, संडे के क्लास में थोड़ा इसको बता के फिर उसको कर देंगे, ठीक है? थोड़ा दूर कुछ आइडिया लगा यहाँ पे ट्रैक्टेशन का, नेक्स्ट डे कर लूंगा।